लाइफ मेरे प्राणों की वीणा से निकली गौतम की झलकार, मेरे प्राणों की वीणा से निकली गौतम की झलकार, मेरे होठों छलके रे, मेरे होठों से छलके रे, गौतम के गीत बार बार, मेरे प्राणों की, मेरे प्राणों की, रोम रोम अंग अंग गौतम का ज्ञान, जहां तहां गौतम की ज्योति, रैन दिवस गौतम का ध्यान, गौतम ने दूर कर दिया जीवन का सारा अंधकार, मेरे प्राणों की, मेरे जिसका कोई भी नहीं, गौतम है उनके आधार, मेरे प्राणों की, मेरे प्राणों की, मेरे प्राणों की, सभी को भाद्रपद पूर्णिमा की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज हम इस मंथली पूर्णिमा या मासिक पूर्णिमा धम्म चर्चा में तीसरी बार आपके सामने आए हैं, और शुरुआत करने से पहले मैं जस्ट पूछना चाहूंगी कि हमारा वॉल्यूम और साउंड ठीक है कि नहीं, क्योंकि माइक नहीं लगाया है हमने जस्ट टू ट्राई, क्योंकि डफली के साथ में माइक सही जमता नहीं है, तो हाँ। आप बताइए, अगर नहीं होगा तो हम फिर माइक लगाएंगे। साउंड का जरूरत होगा तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए यहाँ पर, और सा, हाँ, हाँ, हाँ। आप सभी को जय भीम, जो बहुत सारे लोग ज्वाइन कर, कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं और कैसा आप सेलिब्रेट कर रहे हैं भाद्रपद पूर्णिमा, ये भी बताइएगा। हाँ, हाँ। और भाद्रपद पूर्णिमा के इस अवसर पर हमने गाने की शुरुआत, हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत जिस गाने से की वो बहुत ही मधुर एक गाना है, बहुत ही म्यूजिकल एक गाना है, मेरे प्राणों की वीणा से, जिसको गाया है अनिल खोबड़ागरे जी ने। हाँ, 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 और ये भीम के पथ पर एक एल्बम आई थिंक उसका है। हाँ, और इसका लिरिक्स आई थिंक लिखे है
कृष्ण कुमार चौबे जी ने. तो थैंक यू फॉर राइटिंग सच अ वंडरफुल सॉन्ग. हमको तो पसंद है ही, आशा है आपको भी पसंद आई हो. और यहाँ पर हमको फीडबैक मिला है कि साउंड एक्सेलेंट है, साउंड इज ओके. ओके गुड. सिद्धांत थैंक यू. यस. और विजय भाई है, विशाल है, सब लोग बोल रहे हैं सचिन एक्सेलेंट है बोल रहे हैं. सचिन थैंक यू, कैसे हैं आप? Somebody saying mic is needed. देखते हैं. हाँ, बहुत लुकिंग स्वीट. अच्छा विवेक बोल रहे हैं माइक नीडेड. हाँ तो ये हमको असमंजस में डाल. बट ओके लेट्स गो फर्दर इन द प्रोग्राम. हाँ हाँ, अगर आपको जरूरत पड़ा और आगे में हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं, अगर जरूरत पड़ा तो जरूर बोलिएगा. बिल्कुल. फिर हम लोग माइक के साथ में कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे. बिल्कुल. तो आज हम मंथली पूर्णिमा धम्म चर्चा, जैसे मैंने कहा ये तीसरा वाला है. एक मिनट, थोड़ा सा शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट कर दे सबको. कि आप लोग सब लोग जुड़ गए हैं हमारे बौद्धकारों का टीम जो है, हम पूरी टीम के तरफ से आप सभी का सबसे पहले स्वागत है. और मैं हमारे जो दोस्त है बौद्धकारों फ्रेंड्स है उनसे बोलूंगा कि थोड़ा सा इन्हें हमारे शेयरिंग में हेल्प करें. और सारे जो दोस्त है जो जुड़े हुए हैं प्रोग्राम में, तो प्लीज कार्यक्रम को शेयर करें. और ये आज का जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि आज बहुत ही कुछ जरूरी मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे, धम्म चर्चा होगी, तो इसको ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाएं. ये क्योंकि ज्यादा लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सबसे पहले तो प्लीज शेयर कर दें. हम लोग शुरुआत कर चुके हैं हमारे कार्यक्रम को, तो कार्यक्रम की शुरुआत को थोड़ा सा धमाकेदार करें. प्लीज शेयर करें प्लीज. Yes, हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा. और आज जो हम चीजें बात करने वाले हैं, जैसे वृतांत ने कहा कि बहुत इम्पोर्टेंट है और जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे. तो जैसा कि हम कह रहे थे, थैंक यू ऑल दोस पीपल हु आर ऑलरेडी विद अस. एंड हमको या अब तक के जो हमने दो इसके पहले धम्म चर्चा महीने की पूर्णिमा की जो धम्म चर्चा की थी उसकी फीडबैक हमको बहुत अच्छी मिली है. सो थैंक यू फॉर दैट. एंड हमको आशा है कि इसके थ्रू हम एक नया कल्चर जो है उसको एक्सेप्ट करने की तरफ चल चुके हैं. एक्सेप्ट तो कर लिए हैं, हमको उसको बढ़ाना है. बाबा साहब ने जो बीज लगाया था उस बीज को पानी डाल के उसको बड़ा पेड़ बनाना है. बिल्कुल. तो उसी की कोशिश में हम ये हमारे तरफ से जो भी है छोटा मोटा कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे तरफ से दे रहे हैं. तो दोस्तों चलिए इस पेड़ को बड़ा आगे बढ़ाए. तो आज का जो हमारा भाद्रपद पूर्णिमा स्पेशल है उसका जो टॉपिक हम जो मेनली जिस टॉपिक के साथ डील करेंगे उसका नाम है, यहाँ पे मेरे पीछे देखिए बोल्ड में लिखा हुआ है, इसका नाम है वर्षावास, जिसको कहते हैं वर्षावास. तो वर्षावास के बारे में अगर आपको पता होगा तो देन यू नो व्हाट इट इज. अगर नहीं पता है तो इट्स लाइक अ मॉनसून रिट्रीट जैसे आप कह सकते हैं. तो ये क्या होता है ये हम और डिटेल में बाद में बताएंगे. और ये भी मैं कहना चाहूंगी, आज आपने देखा होगा कि हमारा ये जो वॉल है इट्स गॉट सम ब्यूटीफुल आर्ट ऑन इट. तो इन आर्टिस्ट के बारे में भी हम धीरे धीरे और बताएंगे आज के प्रोग्राम में. ये बहुत ही अच्छा एक डेवलपमेंट हुआ है दोस्तों, कि हमारे साथ में हमको ये जो पेंटिंग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कुछ आर्टिस्ट लोग, कुछ अम्बेडकर आर्टिस्ट लोग हमको ये हेल्प कर रहे हैं अपने आर्ट के माध्यम से बाबा साहेब का मैसेज, बाबा साहेब का जो कल्चर है जिसको हम अम्बेडकर कल्चर बोलते हैं, इसको फैलाने का, इसको दूर दूर तक पहुंचाने का. तो सभी हमारे जो दोस्त है हम उनके नाम भी बताएंगे आपको धीरे धीरे. हाँ, और इनके पेंटिंग्स के बारे में भी हम बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या बनाया है और कैसे कैसे इन्होंने ये पूरा काम किया. तो ये बहुत ही एक अच्छा बात है, बहुत ही एक मंगल डेवलपमेंट है. तो इसके लिए हमारे जो आर्टिस्ट दोस्त लोग हैं इनको हमारी तरफ से और हम हमारे सारे पौधकारों फ्रेंड्स और आप सबकी तरफ से एक सम्मान का जय भी. बहुत सम्मान का जय भी. और अगर आप लोग हैं ऑनलाइन हमारे जो आर्टिस्ट दोस्त है, अगर वो है या तो हमारे कोई भी फ्रेंड्स है जो लिंक कर सके तो वो भी कर सकते हैं. वैसे तो हम पेज पे शेयर करते ही रहते हैं. तो गोइंग फॉरवर्ड आज हम बात करेंगे वर्षावास के बारे में. और उसी के साथ साथ कुछ और जरूरी चीजें हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे. पहले तो वर्षावास क्यों किया जाता है, क्या होता है ये, और भाद्रपद पूर्णिमा की क्या इम्पोर्टेंस है, हम लोग क्यों आज ही वर्षावास की बात कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे. और हम बात करेंगे कि इस दिन को
वैसे यहाँ पे तो उतना माहौल आपको लग नहीं रहा होगा, लेकिन बिलीव इट और नॉट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जैसे श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सब कंट्रीज में बहुत जोरों शोरों से आज का दिन सेलिब्रेट होता है। तो ये सेलिब्रेशन क्या होती है, क्यों इतने जोर शोर से सेलिब्रेट करते हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा बताएंगे। और आज हम और एक चीज के बारे में बात करेंगे जो कि है गौतमी सूत्र। हाँ, तो गौतमी जैसे आप जानते ही होंगे कि गौतम, जहाँ जहाँ गौतम की ज्योति, हम लोग गाना जो शुरुआत किए हैं, मेरे प्राणों से निकले रे गौतम के गीत बार बार। तो ये गौतम आप बहुत बार सुनेंगे इस प्रोग्राम में, तो गौतमी सूत्र के ऊपर में हम लोग बात करने वाले हैं। प्लीज कंटिन्यू, थोड़ा सा गौतमी कुछ बताओ, बाद में बताएंगे। क्या है गौतमी सूत्र और आज के टाइम पे हम गौतमी सूत्र को कैसे पढ़ सकते हैं, और बाबा साहेब ने उसको कैसे देखा था, बाबा साहेब के व्यूज क्या थे विथ रिस्पेक्ट टू विमेन इन द संघ। तो महिलाओं की क्या जगह है संघ में, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आज एक बहुत ही जरूरी दिन दुनिया भर में मनाया जा रहा है। वो कौन सा दिन है? वो इंटरनेशनल भिक्कुनी डे। भिक्कुनी डे, यस यस। तो इंटरनेशनल भिक्कुनी डे आज हम पूरे दुनिया में मना रहे हैं। भिक्कुनी संघ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक इक्वली इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ पूरा संघ है। ये फोरफोल्ड संघ इसको बोलते हैं, हम बात करेंगे इसके बारे में। तो इस संघ का, भिक्कुनी संघ एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है, और आज हमारे बहुत सारे रिस्पेक्ट्स हैं बौद्धकारों की तरफ से भिक्कुनी संघ के लिए। भिक्कुनिया जहाँ भी सारी दुनिया में है, सबको हमारा सम्मान का जय भीम है। और इस डे को आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल भिक्कुनी डे को। और आपसे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सबको बताएं कि आज इंटरनेशनल भिक्कुनी डे, और अगर आप किसी भिक्कुनी को जानते हैं तो उनको प्लीज, हाँ, उनको विश करें, विश करें और उनकी अपेक्षा दे उनको, क्योंकि भिक्कुनी संघ एक बहुत जरूरी पार्ट है। तो हाँ, इसके बारे में भी हम और डिटेल में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक मिनट, जरा साउंड ठीक आ रहा है क्या, बोलिए। और तो बोल रहे हैं कि इसके बाद में जो गाना करेंगे, इसके इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर साउंड ठीक नहीं होगा तो प्लीज हमको बताइए, फिर हम लोग माइक से इसको अटैच करेंगे। और एक नया डेवलपमेंट होने वाला है कि हम लोग अच्छा माइक सिस्टम लेने वाले हैं जल्दी। तो इस बार जो साउंड है उसको बेयर कर लीजिए जैसा है। अगर फिर भी अभी ठीक नहीं लगेगा तो आप बताइए, हम उसको माइक अटैच करके फिर कैरी फॉरवर्ड करेंगे प्रोग्राम को। हाँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम के साथ। और आज का जो हमने टॉपिक वगैरह बताया, अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है और लग रहा है कि आप किसी के साथ डिस्कस करना चाहते हैं इसको, तो उनके साथ भी प्लीज शेयर कीजिए वीडियो, और लोगों को बुलाइए। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं भाद्रपद पूर्णिमा, या तो जैसे पाली में कहा जाता है पुट्टपाद, पुट्टपाद या भाद्रपद जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो आइए आप भी हमारे साथ सेलिब्रेट कर कीजिए, और हम वेलकम करते हैं सभी को, और शुरू करते हैं हमारे वंदना से, वंदन गीत जो हम सबके लिए गाते हैं उसके साथ शुरुआत करते हैं। दोस्तों और शेयर कीजिए, दोस्तों को बुलाइए, जल्दी बुलाइए, हम लोग वंदन से हमारा प्रोग्राम शुरुआत कर रहे हैं। No.
इस वंदन से करते हैं, त्रिशरण वंदन से करते हैं, और इसका बुद्धिज्म में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। साउंड हमको लगाना पड़ेगा, माइक लगाना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा ज्यादा लोग बोल रहे हैं। त्रिशरण वंदना के बारे में बता रही हूँ दोस्तों। हाँ, तो त्रिशरण वंदन के बारे में मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ दोस्तों। ये त्रिशरण वंदन जो है, ये त्रि रतन का वंदन है, तीन शरण जाते हैं, तीन रत्नों की हम शरण जाते हैं। धम्म में इन तीन रत्नों का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है, और इन्हीं तीनों रत्नों के ऊपर में सारा धम्म जो है वो बेस है। ये तीन रत्न है, बुद्ध धम्म और संघ, ये हम अक्सर इसके साथ में शुरुआत करते बात करते हैं, और हम इन तीनों रत्नों को हम वंदन करते हैं। सबसे पहले बहुत सारे कल्चर्स में अलग अलग लोगों को, अलग अलग ईश्वरों को ऐसे बुलाया जाता है, हम लोग सबसे पहले तीन रत्नों को वंदन करते हैं और हमारे प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो हमने हमारे प्रोग्राम का, ये हमारे इस परफॉर्मेंस का शुरुआत कर दिया है। आज भाद्रपद पूर्णिमा है, पट्टपादो पूर्णिमा जिसको पाली में बोलते हैं, और इसको हिंदी, संस्कृत में, मराठी में इसको भाद्रपद पूर्णिमा ऐसा बोलते हैं। तो इस पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। कृतिका ने पहले ही बता दिया कि हम ये तीन पॉइंट्स के बारे में, हमने पोस्टर में भी शेयर किया था, तीन पॉइंट्स के बारे में हम लोग जनरली बात करेंगे। एक तो वर्षावास है, वर्षावास बहुत बड़ा है। दूसरा जो है वो आज का दिन का जो इम्पोर्टेंस है, और सारा सेलिब्रेशन इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो हो रहा है, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, म्यांमार में और नेपाल में, खासकर इन देशों में जो हो रहा है उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। और तीसरा पार्ट जो है वो बाबा साहेब का व्यूज भिक्कुनी संघ के ऊपर है, वुमेन इन दी धम्मा, धम्मा फोल्ड। तो इसके ऊपर बाबा साहेब का व्यूज जो था, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम लोग किधर जा रहे हैं दोस्तों। तो इसके साथ में हम लोग शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। अभी ठीक है साउंड, अभी तक आवाज सही नहीं है कि अभी इज इट बेटर? नहीं आ रही है बोलते हैं। जय भीम, जय भीम सिद्धांत जी, आपके मम्मी को भी जय भीम। और प्लीज लेट अस नो अगर आवाज अभी ठीक है कि नहीं। हाँ, क्योंकि अभी माइक, क्योंकि अभी माइक लगा दिया है। वृत्तांत का वॉइस लो था। ओके, माइक इज नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, ओके, ठीक है। तो होपफुली देखते हैं कि माइक सही होता है कि नहीं। तो हाँ, तो हम आज बात करने वाले हैं वर्षवास के बारे में। वर्षवास जो होता है, ये दो वर्ड्स का है, वर्ष और वास। इसका मतलब है कि मॉनसून में, वर्षा की ऋतु में वास करते हैं, या तो एक जगह पे टिके हुए रहते हैं, जो मॉन्क्स रहते हैं, जो असेटिक, जिन्होंने चीवर धारण किया हुआ होता है, निकाल दिया, वैसे पहली वाला जो है। अच्छा, जो बोल रहे हैं वो वाला। ओके 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 ओके, इट वाज बेटर विदाउट माइक। ओके ओके ओके, फाइन। सो हां, ये थोड़ा सा खेद के लिए, सॉरी है दोस्त। ठीक है, तो वर्षवास जो है, ये मॉनसून के टाइम में जो एक आप कह सकते हैं एक जगह पे वो बसते हैं, उसको बोलते हैं वर्षवास। क्योंकि भिक्खों का काम होता है, भिक्खु भिक्खुनी जो संघ है, जो पार्ट ऑफ द संघ विच इज भिक्खु एंड भिक्खुनी, उनका काम होता है कि हर टाइम चलते रहे। क्योंकि बुद्ध ने क्या कहा था, थैंक यू, इट इज क्लियर नाउ, थैंक यू। हां, ओके, बुद्ध ने क्या कहा था, चरत भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। तो यही बुद्ध का एकदम स्टार्टिंग का ये वाणी है दोस्तों। yes. बुद्ध ने बोला है, चलते रहो भिक्खु, जाते रहो, दूर दूर तक पहुंचो, और इस मंगलकारी, इस मंगलमय धम्म को पहुंचाओ। और इस धम्म को अगर लोगों तक पहुंचाओगे आप, और लोगों को धम्म मिलेगा, वो उस पर आचरण करेंगे, तो दुखों से मुक्ति हो जाएगी। तो यही बुद्ध का धम्म था। जो कृतिका ने जैसे पूछा क्या था वो, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वो कैसे हुआ, चरत चारिकम भिक्खवे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो ये चलते रहना जो है, निरंतर चलते रहना, ये भिक्खुओं का काम था। और बुद्ध अपने सारे लाइफ दोस्तों, यानी 85 साल तक होते हुए, जब से उनको निब्बान का प्राप्ति हुआ तब से लेकर महापरिनिब्बान तक, बुद्ध लगातार चलते रहे लोगों की सेवा में। बिल्कुल। तो ऐसा जीव जो लगातार, ऐसे कोई क्षण नहीं था, ऐसे कोई मोमेंट नहीं था कि
बुद्ध दूसरे लोगों के मंगल के बारे में नहीं सोच रहे थे, तो बुद्ध को हमारी तरफ से जय भीम है कि इतना ज्यादा उन्होंने लोगों के मंगल के लिए सोचा और ऐसा मंगलकारी धम्म हम सबको दिया है। तो इसी को, इस बात को लेकर हम लोग वर्षावास की आज खास बात कर रहे हैं। तो हाँ, प्लीज कंटिन्यू। तो वही होता था कि पूरे साल में बस ये 3 महीने होते थे जिस टाइम पे बारिश होने की वजह से बुद्ध ने भिक्षुओं को कहा था कि आप एक जगह पे रहा कीजिए, आप उसी टाइम पे सिर्फ आपको इधर उधर नहीं जाना है। ये इस प्रैक्टिस को वर्षावास कहते हैं, बहुत जगहों पे इसको वत्स भी कहते हैं, वत्स या वत्सा जो वर्षा से आता है। तो वर्षा के टाइम पे भिक्खु भिक्खुनिया जो है वो एक जगह पे टिके रहते हैं और उस टाइम पे वो क्या करते हैं, उस टाइम पे वो धम्म चर्चा करते हैं। तो आज हम लोग जो कर रहे हैं भाद्रपद पूर्णिमा के दिन ऐसे ही कोई चीज, ये पूरा ये 3 महीना जो आषाढ़ पूर्णिमा, मतलब जब हमने ये सेशन शुरू किया था आषाढ़ पूर्णिमा से, जिसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, उसी टाइम पे मॉनसून शुरू होता है, तो उस टाइम से लेके तो अश्विन पूर्णिमा तक, मतलब अगले महीने जो पूर्णिमा आएगी अक्टूबर में, उस पूर्णिमा तक, अक्टूबर या सितंबर के एंड में जो पूर्णिमा आती है उस पूर्णिमा तक, ये 4 पूर्णिमा और चारों पूर्णिमा के बीच में जो 3 महीने हैं, इन 3 महीनों के टाइम पे वर्षावास किया जाता है। तो इस टाइम पे जो मॉन्क्स होते थे, असेटिक्स होते थे, जो घर छोड़ के चीवर धारण करते थे, वो एक जगह पे एक मॉनेस्ट्री में रहते थे, और उसी टाइम पे जो ले पीपल होते थे, क्योंकि वो लोग भी चाहते थे कि हम भी थोड़ा और एक स्टेप आगे जाके धम्म को अपनाएं, धम्म को समझे, तो इसलिए जो उपासक उपासिका जो होते थे, या तो जिसको हम बोलते हैं ले पीपल, हाउस होल्डर्स जो होते हैं, जो जिन्होंने चीवर नहीं धारण किया लेकिन धम्म को फॉलो करते हैं, ये लोग भी कभी कभी या तो पंचशील को अच्छी तरीके से अपनाने की कोशिश करते थे, या तो अष्टशील का पालन करते थे। तो अष्टशील क्या है, ये हमारे एक आर्ट में है, वी कैन शो देम द आर्ट। हाँ, ये सबसे पहला आर्ट आपको दिखाते हैं, ये सुशीम का है। सुशीम कामड़े बहुत अच्छे कैलीग्राफी आर्टिस्ट है, और उन्होंने देखिए ये एक, ये दो और ये तीन यहाँ कैलीग्राफी आर्ट बनाए हैं आज के पूर्णिमा के लिए खास। यहाँ पर उन्होंने लिखा है भाद्रपद पूर्णिमा, और ये इस पूर्णिमा का टाइटल हमने बीच में इसको रखा है भाद्रपद पूर्णिमा का। और यहाँ पर जो अष्टशील के बारे में बात कर रही है कृतिका, वो अष्टशील है क्योंकि जनरली जो 5 शील होते हैं, हम सारे भिक्खु संघ और उपासक संघ, हम सब लोग जो है वो 5 शील जनरली हम लोग फॉलो करने का कोशिश करते हैं, पर इस टाइम में जैसे कि कठिन के बारे में बताया, कठिन मैंने बोला नहीं, मैं बताने वाली थी। हाँ, तो कठिन ये होता है, तो थोड़ा सा इन्हें डिफिकल्टी लेवल हमारा बढ़ जाता है, और 8 शीलों का पालन करते हैं, 8 शील, और 3 शील जो है वो उपासकों के जुड़ जाते हैं, और 8 शील किसके होते हैं, ये भिक्खुओं के होते हैं। भिक्खु संघ जो होता है वो उपासक संघ से अलग है, और भिक्खु संघ के लिए 8 शील होते हैं दोस्तों, और उपासक संघ के लिए 5 शील होते हैं। तो जनरली इस कठिन के समय पर, इस वर्ष के समय पर, इस वर्षावास के समय पर उपासक संघ भी 8 शील लेते हैं। हाँ, और 8 शील का फॉलो करते हैं। 8 शील में क्या और इंक्लूड, क्योंकि पंचशील तो आप जानते हैं, तो हाँ, उसमें और 3 चीजें क्या इंक्लूड हो जाती है, वो ये एक है कि आप दोपहर के बाद खाना नहीं खाना। हाँ, फिर कोई भी ऐसे ऑर्नामेंटेशन या तो एंटरटेनमेंट, ये सब चीजों में इंडल्ज नहीं करना, तो जो भी थोड़े से प्लेजरेबल चीजें है उसमें इंडल्ज नहीं करना। और लास्ट होता है कि ऊंचे हाइट पे ना सोना, मतलब नीचे फ्लैट जो क्या बताए ग्राउंड होता है, मिट्टी होती है, उस पे सोना। तो ये जो है ये भी वो फॉलो करते, तो इसीलिए इसका नाम कठिन भी कहा जाता है। तो जब मॉन्क्स वर्षावास करते हैं उस टाइम पे उपासक उपासिकाएं जो है वो कठिन का फॉलो करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम सिर्फ इतना ही नहीं, वर्षावास के टाइम पे लोग अपने प्रैक्टिस को और अच्छा बनाते हैं। प्रैक्टिस, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये प्रैक्टिस ही है जो यानी धम्म को हमें समझाने में मदद करता है। अगर हम लोग, यानी बहुत सारे ऐसे फिलोसोफीज है जिसको आप विचार करके ही चल सकते हैं, पर धम्म का यहाँ पर थोड़ा सा बाकी फिलोसोफी से डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर प्रैक्टिस
उतना ही मायने रखता है जितना थियरी होता है। तो इसीलिए जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ही ज्यादा धम्म हमको समझ में आता है, उतना ही ज्यादा क्लियर होता है। तो ये जो वर्षावास है, वर्षावास का समय है, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। क्योंकि उस समय हम लोग आठ शील ले रहे हैं और भिक्खु लोगों के साथ में हम लोग बैठ रहे हैं, धम्म चर्चा कर रहे हैं, भिक्खु हमको सिखा रहे हैं। बुद्ध बनते थे, बुद्ध को बनते बोलते थे। बुद्ध उस समय में इस रिट्रीट्स में, वर्षावास में सारे भिक्खु संघ को, सारे उपासक संघ को बैठाते थे सामने में और लेक्चर्स करते थे। तो ये वो टीचिंग का समय होता था, टीचिंग, मेंटल चर्निंग और प्रैक्टिस। तो धम्म का पूरा जो सारा, जो क्या बोल सकते हैं हम लोग, रिगरस प्रैक्टिस इन रिट्रीट्स में होता था। रिविजन प्रैक्टिस और रिविजन बहुत ही जरूरी टाइम है दोस्तों। तो अभी भी ये कल्चर चलते आ रहा है बाकी हमारे देशों में, श्रीलंका में, जो भी बुद्धिस्ट कंट्रीज है आसपास में, यहाँ पर उसको बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है। पर अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि हमारे देश में, इंडिया में ही इस चीज को ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पर अभी वैसा नहीं होगा। अभी हाँ, अभी जो है बाबा साहेब का जो बीज डाला हुआ है वो बड़ा हो रहा है, इसका पेड़ हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है जिससे शील संपादन होता है वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो वर्षावास का ये महत्व है दोस्तों, थियरी और प्रैक्टिस दोनों ही, रिविजन का बात। इनफैक्ट नॉट जस्ट मॉन्कहुड, मतलब नॉट जस्ट भिक्खु भिक्खुनी, पर बाकी जो उपासक उपासिकाएं होती है वो भी जाते हैं हर शाम को सीखने के लिए, कुछ और चीजें जानने के लिए धम्म के बारे में। तो इसी को लेकर हम अपना पहला गाना जो है वो गाते हैं। हाँ, और ये गाना प्रैक्टिस को लेकर ही है, क्योंकि इस गाने में ये हम आपने पहले भी सुना है, ये इंग्लिश में है ये गाना, इसका नाम है एही पस्सिको। क्योंकि बुद्ध बहुत क्लियरली कहते थे कि अगर तुमको मेरी बातों से यकीन नहीं आता है तो तुम करके देखो, और कभी भी सिर्फ बातों पर नहीं जाना। हाँ, तो करके देखो और आओ, कम एंड सी, ओनली देन यू विल नो। तो आओ जांचो इस तकनीक को, ये जो धम्म है इसको जांचो, और उसी के बाद तुमको पता चलेगा कि धम्म क्या है, और फिर प्रैक्टिस करना है। करो इसको। थोड़ा सा बाबा साहेब ने क्या बोला है वो थोड़ा सा बताते हैं। इसको बाबा साहेब साइंटिफिक टेंपर बोलते हैं दोस्तों। ये साइंटिफिक टेंपर बहुत जरूरी है। और बाबा साहेब बोलते हैं कि अगर हमको आगे बढ़ना है, हमारे पूरे मानव प्रजाति को, हमारे मानव सिविलाइजेशन को आगे बढ़ना है, तो ये साइंटिफिक टेंपर लाना और उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। तो बुद्ध का मानना बहुत सही था, बहुत ही ज्यादा साइंटिफिसिटी थी उसमें। बुद्ध बोलते थे आओ देखो, जिसको पाली में बोलते हैं एही पस्सी को ओपन आई को, खुद आओ, खुद देखो, खुद जानो। धम्म सही लगता है तो लो, नहीं तो ठीक है भाई। गाने में हम क्या बोलते हैं सुनिए। Teachings of
बहुत सही, बहुत बढ़िया। तो ये गाने में जैसे कहा कैसा है, कैसा लगा दोस्तों गाना, कैसा लगा और साउंड वगैरह ठीक है क्या, थोड़ा सा बता दो आप लोग। साउंड को लेकर आज बहुत ज्यादा डिस्कशन चल रहा है। नहीं, इसके बाद अच्छा माइक आने वाला है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा चेकिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छा अच्छा माइक आने वाला है, तो बहुत अच्छे लोग है हमारा जो उपासक संघ है, उन्होंने हमको अच्छा माइक देने के लिए ऑफर किया है। हम लोग दान में वो देने वाले हैं हमको, तो हम उनके बारे में बताएंगे इस बार नहीं, अगली बार बताएंगे, क्योंकि उनसे बातचीत करके ही सारी बातें होगी। तो पर ये बात है कि थोड़ा साउंड का चेकअप चल रहा है और अच्छा माइक हम लेने वाले, ये ज्यादा जरूरी बात। तो जैसे इस गाने में कहा है कि आओ और देखो, और देखने से आप समझ में आएगा आपको कि धम्म आपके लिए है या नहीं है। तो ये जो टाइम होता था वर्षवास का, या तो जो उपासक कहते हैं जिसको कठिन, इस टाइम पे वो जांचते थे कि धम्म सच में मेरे लिए है कि नहीं है। तो अगर आपको भी कोई डाउट है कि ये प्रैक्टिकल है या नहीं, मतलब यू नो नॉट टू किल एनिमल्स, और ये पंचशील जो है कि झूठ नहीं बोलना, ये प्रैक्टिकल है कि नहीं, ये आप खुद जांच के भी इस टाइम पे देख सकते हैं। जरूरी नहीं है इस टाइम पे, बट बिकॉज इट्स एन ईजी स्केल, 2-3 महीने का ये टाइम होता है एक प्रैक्टिस के लिए, तो ये बहुत सही टाइम होता है चेक करने के लिए। तो थोड़ा सा ये वर्षावास के बारे में थोड़ा सा रिविजिट करते हैं हम लोग, क्यों करते हैं बिल्कुल, हाँ एक व्हाट और क्या क्या करते हैं उसमें हम थोड़ा सा जाते हैं। तो वर्षावास ये होता है दोस्तों, शुरू होता है आषाढ़ में, जब से हमने ये पूर्णिमा शुरुआत किया था, और आषाढ़ से लेकर तो फिर उसके बाद वाला जो सावन पूर्णिमा है वो, और सावन से अब तक, और अब से लेकर तो अगली पूर्णिमा तक ये ऐसा चलेगा। तो हम लोग, हो सकता है हम लोग चाहते तो पहले भी इसके बारे में डिस्कशन करते, पर तब हमने आज के लिए रोक के रखा, क्योंकि अभी का टाइम जो है वो एकदम फ्रूट्स आने लगते हैं हमारी प्रैक्टिस में, क्योंकि कोई भी चीज है, हम लोग कोई भी प्रैक्टिस करते हैं, 1-2 महीना अगर लगातार प्रैक्टिस करें तो हम उस चीज को अच्छे से समझने लगते हैं दोस्तों। तो धम्म का हम लोग कहीं ना कहीं बोलते हैं कि धम्म ना समझने का कारण, या तो धम्म का जो कम हुआ लोगों में, उसका अंडरस्टैंडिंग और उसका जो जतन है वो कम हुआ, ये इसलिए भी हुआ क्योंकि लोगों को धम्म समझने में डिफिकल्टी होती है। तो एक चीज हम ये बहुत ही क्लियर करना चाहते हैं दोस्तों, जैसे हम प्रैक्टिस के बारे में बात किए, तो धम्म अगर समझना है तो उसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तो थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना होता है। हम भी कोशिश करते हैं, देखो बहुत यानी फेल भी होते हैं, पर ये खुद ही से खुद ही की जो है मेहनत लगी रहती है कि नई शील फॉलो करना है, जो वर्चुज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुज को पारमिता, हाँ पारमिता फॉलो करना है, प्रज्ञा यूज करनी है, ये बहुत सारी चीजें हम बात करते हैं, ये सब है ना प्रैक्टिस करना है। तो अगर ये प्रैक्टिस हो गया दोस्तों, तो ये जो मंगलकारी धम्म है ये सब तक पहुंचेगा, और इससे बहुजनों का यानी मैक्सिमम लोगों का इससे कल्याण होगा। और बाबा साहब ने यही सोच के हमको धम्म दिया है, बिल्कुल, बिल्कुल। और धम्म इतना पावरफुल है कि 2 लोग भी प्रैक्टिस किए बहुत पावरफुल हो जाएंगे। यही पावर का प्रैक्टिस करना है, एम्पावर होना है दोस्तों हमको, यही बात है। तो ये वर्षावास का टाइम इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रैक्टिस को अपनी मजबूत बनाता है दोस्तों। ये तो ये व्हाट था, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये वर्षवास को क्यों किया जाता है, मतलब मॉनसून के ही टाइम में क्यों किया जाता है, तो इसका एक बहुत ही सिंपल रीजन था। जैसे कि आप जानते होंगे पंचशील का पहला जो शील है, जो प्रिंसिपल है, वो है पानाति पातः वेर मणि सिक्खा पदम समाधियामि। इसका मतलब है कि धम्म के सीखने के रास्ते में जो पहला शील है वो है कि मैं किसी भी प्राणी की को हिंसा नहीं करूंगा, या तो किसी भी प्राणी की जान नहीं लूंगा। तो ये शील मॉनसून में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मॉनसून में बारिश गिरती है, और बारिश जब मिट्टी पे गिरती है तो मिट्टी के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं, वर्म्स रहते हैं, या तो सांप रहता है, जो भी चीजें अंडरग्राउंड रहती है वो अपने घर में नहीं रह पाती, उनको बाहर आना पड़ता है। तो इसीलिए अगर आप चलेंगे, जैसे रात में आप चलेंगे, वैसे रात में उतना चलते नहीं थे, लेकिन कभी बहुत डेंस ग्रास है या तो कभी नहीं देखा आपने, तो हो सकता है कि आपके पैर के नीचे वो दब जाए, कुचल जाए, या उनको डिस्टर्बेंस हो, सिंपली ये भी हो सकता है कि उनको डिस्टर्बेंस हो। तो ये अवॉइड करने के लिए, एट द सेम टाइम अपने आप को सेफ रखने के लिए, क्योंकि मॉनसून में आपने भी देखा होगा कि मॉनसून में कीचड़ वीचड़ में जाते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता है, ज्यादा देर तक चलना पसंद नहीं आता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो ये सब चीजें अवॉइड करने के लिए जो है, अपनी सेफ्टी के लिए भी और दूसरे प्राणियों के सेफ्टी के लिए भी इसको किया जाता था। तो ये शील
प्रैक्टिस करते करते आप में जो है करुणा भाव ये आता है, और इसको प्रैक्टिस, इसको निकालना जो है, करुणा भाव को निकालना ये बहुत जरूरी हो जाता है आज के कॉन्टेक्स्ट में। ये क्यों जरूरी होता है, हम भाद्रपद के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ आएंगे। वैसे आप डूडल में ऑलरेडी देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे एनिमल्स भी है, और तो ये तो दूसरे डूडल के बारे में नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर में, ठीक है। और एक चीज है जो भाद्रपद पूर्णिमा में, सॉरी वर्षवास में जो बहुत जरूरी हो जाता है वो होता है दान। जैसे वृत्तांत ने कहा कि नॉट जस्ट शील्ड बट ऑल्सो पारमिता, दान एक प्राइमरी पारमिता होता है कि आप किसी भी तरीके से धम्म को दान दे सको, या तो लोगों को धम्म सिखाओ, या तो आपके पास पैसा है पैसा दो, आपके पास टाइम है टाइम दो, आपके पास जो भी रिसोर्सेस है। तो उपासक और उपासिकाएं क्या करती थी उस टाइम पे, कि क्योंकि भिक्खु भिक्खुनिया नहीं घूमने जाती, नहीं चल पाती उतना, उन वो लोग रोज उनको खाना देने जाते थे और खुद भी प्रैक्टिस करते थे करुणा और मैत्री की। हाँ, ये और दान को और इंक्रीज करने के लिए कठिन के एंड में ये प्रैक्टिस किया जाता है, जिसको कहते हैं कठिन चिवर दान। तो पूरा जो कम्युनिटी होता था वो एक साथ डोनेट करता था जो भी वो कर पाए, या तो पैसे, या तो खाना अनाज, या तो कपड़े बनाने के लिए चीजें, या तो कपड़े बनाने की जो स्किल, ये सब चीजें दान में लेके वो संघ को चीवर दान देते थे एट द एंड ऑफ मॉनसून। क्योंकि मॉनसून में हो सकता है उनके कपड़े खराब हो गए हो, या तो दे नीड टू चेंज ना, वंस अ ईयर एटलीस्ट यू विल चेंज योर क्लोथ्स। तो इसीलिए कठिन के एंड में दान पारमिता को और मजबूत करने के लिए कठिन चीवर दान किया जाता था। तो ये है वर्षवास की कुछ प्रैक्टिसेस। और वर्षवास को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, इसको इसके तरफ जाने के पहले, ये जो हम डूडल की बात कर रहे थे, हाँ, एक मिनट मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूँ। हाँ, तो ये जो वर्षावास का हम लोग बात कर रहे हैं, कृतिका ने बहुत अच्छे से बताया कि वायलेंस कैसे कम करना है, ये बहुत ही एक मध्यम पटिपदा है दोस्तों। जैसे कि आप जैन फिलोसॉफी में देख सकते हैं, वहां पर झाड़ू लेके चलते हैं, वो कोई भी मौसम रहो झाड़ू लेके चलते हैं। तो वो झाड़ू लेके चलने का मतलब उनका बहुत ही स्ट्रिक्ट नियम है, रूल है कि वो मरना नहीं चाहिए, कोई भी जीव मरना नहीं चाहिए। तो ये स्ट्रिक्ट होता है, पर बुद्ध ने वैसा रूल नहीं लगाया है। जनरली माइंडफुलनेस पे बुद्ध जो है वो काम करते हैं, ज़्यादा बात बताते हैं कि कोशिश करो कि आप माइंडफुल रहे, किसी का जान ना लें। तो भिक्खु लोग, सच में हम जैसे उपासक लोग, हम ये कोशिश करते हैं कि हम माइंडफुल रहे कि किसी का जान ना ले। पर ये समय देखो, यानी बुद्ध कितना ज्यादा मंगल सोचते थे सारे जीवों का। तो ये सारे जीवों का जो मंगल सोच रहा है, इसका कितना अच्छा प्रैक्टिस हो जाता है इन दिनों में, कि तो कितना इन्हें साइंटिफिक सोच है कि बारिश आ रही है तो वो जीव बाहर निकलते हैं छोटे मोटे, तो इस समय उनको हानि ना हो। और दूसरी बात, ये दूसरा एक लॉजिक हम ये भी बोल सकते हैं कि हमको खुद को हानि ना हो। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। बारिश में हम भीग गए तो हो सकता है सर्दी जुकाम हो जाए। तो ये साइंटिफिक थिंकिंग है, साइंटिफिक टेम्पर है दोस्तों। तो इसको लेकर बुद्ध बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान थे, जो सही बात बताते थे और सही और बात नेचर के थे। साथ में कैसे हार्मनी में रहना है, टेंडर में, बहुत जरूरी है। मतलब बुद्ध जो धम्म प्रोपेगेट करते थे वो सिर्फ इंसान और इंसान के लिए नहीं था। इट वाज धम्म मींस टू बी इन यू नो विद होलिस्टिकली लिविंग विद द होल एनवायरनमेंट। तो इसी को लेके हम अगला एक गाना गाते हैं जो नेपाली में है, और हो सकता है आपने सुना हो पहले कभी, या तो हम पहली बार गा रहे हैं। ये एक फीमेल मॉन्क है, भिक्खुनी है, आनी चोयंग द्रोल्मा, वो नेपाली है, और उन्होंने गाया हुआ है। वी आर नॉट श्योर कि उन्होंने लिखा है कि नहीं, बट उन्होंने गाया है और उनके ही आवाज में ये बहुत फेमस है। गाना शुरू करने से पहले हम लोग एक बार हमारे दोस्तों से इंटरेक्ट कर ले, क्योंकि बहुत कुछ बोल रहे हैं। अच्छा, तो सचिन, थैंक यू वेरी मच सचिन इज ऑलवेज देयर टू एनकरेज अस, बहुत ही अच्छी बात बताते हैं, कमेंट्स भी करते हैं। हम लोग काफी बार रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं पोस्ट में, पर हम लोग देखते हैं। तो सचिन, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर। और बहुत सारे लोग हैं, बबलू, जय भीम आपको, अनिल जी ने जय भीम, और प्रशांत, प्रशांत जय भीम प्रशांत,
और उर्वशी एकदम बढ़िया हुआ सॉन्ग। उर्वशी थैंक यू। उर्वशी का आप जरूर वीडियो देखिएगा दोस्तों, बहुत कारू उर्वशी हमारी टीम में है और बहुत ही अच्छा उन्होंने वीडियो बनाया है। किंग पसिंदी का जो इंटरेक्शन है बुद्ध के साथ में, और बुद्ध ने कौन से उपदेश दिए, हम लोग इन चीजों को यहाँ पर आज नहीं ले पाएंगे, पर उर्वशी ने ये बहुत ही अच्छा काम किया है कि वो जो इंटरेक्शन है वो बुद्ध का पसिंदी किंग के साथ में वो बताया, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। मतलब राजा पसिंदी और रानी मल्लिका ये दोनों उपासक उपासिका थे, इवन इफ दे वर फ्रॉम द रॉयल फैमिली दे वर लाइक एनी अदर उपासक उपासिका। तो वो जाते थे संघ, मतलब जो भिक्खु संघ भिक्खुनी संघ था उस टाइम पे उनके जगह पे, वहां पे वो जाके उनसे बातचीत करते थे, उसके बारे में उर्वशी ने बात किया है, क्योंकि वर्षवास के ही टाइम पे एक उनकी कॉन्वर्सेशन हुई है। बिल्कुल जरूर सुनिएगा क्योंकि बहुत जरूरी है कि वो क्या बताते हैं, बुद्ध क्या बताते हैं राजा पसिंदी को। कुछ और जरूरी बातें हैं क्योंकि वर्षावास का हम जब बात कर रहे हैं तो 25 वर्षावास जो है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 25 वर्षावास अपने लाइफ के टोटल कितने वर्षावास, टोटल कितने वर्षावास किए थे बुद्ध ने? आई थिंक 40 के आसपास। हाँ, तो आपको पता है तो आप प्लीज कमेंट में बताइए कि कितने वर्षावास उन्होंने किए हैं। हाँ, अगर आपको किसी को पता है प्लीज कीजिए। तो टोटल वर्षावासों में से 25 वर्षावास, 25 वर्षावास ये श्रावस्ती में किए थे। हाँ, उसको देखते हैं हम। 25 वर्षावास बुद्ध ने श्रावस्ती में किए थे, जो कोसल नगरी में था, वहाँ के राजा थे पसिंदी, पसिंदी उनको बोलते हैं। तो हम उनके बारे में और कुछ फैक्ट्स बताएंगे भी आगे, और उनका भी बहुत श्रावस्ती का बहुत इम्पोर्टेंस है दोस्तों, तो ये बताते हैं हम। हाँ प्लीज। नहीं, मैं बोल रही थी राजा पसिंदी का बहुत इम्पोर्टेंस उनके दान के हिसाब से भी है, बिकॉज ही रियली हेल्प क्रिएट ऑल दोस मॉनेस्ट्रीज, जो अलग अलग वहाँ पे जो मॉनेस्ट्रीज उन्होंने बनाने में मदद की थी, और भिक्खुओं को उन्होंने हेल्प किया था जैसे, तो वो बहुत जरूरी एक पड़ाव है इन ट्राइंग टू स्प्रेड धम्म। तो इसी के साथ हम जाए अगले गाने पे। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। अगर कोई हमारे साथ नेपाली है तो प्लीज बताइए। 45 बता रहे लोग। अच्छा ओके, 45 टोटल 45। हाँ, थैंक यू थैंक यू। कौन बताया है? अर्चना जी और प्रणाली भिवरे। थैंक यू प्रणाली, अर्चना थैंक यू। 45 उन्होंने किया था पूरे वर्षावास। तो उसमें से सोचिए 45 में से 25 जो है, एक 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 किताब है दोस्तों, हम आपको शेयर करते हैं, हमको ये किताब से बहुत मदद मिलता है। ये मराठी में ये किताब है, आप लोग देखिए। हम लोग किताबों के बारे में हाँ देखो स्नेहल फुंजल, हम बताएंगे बहुत सारा है। ये देखो हम कितना सारा, मैं दिखा देता हूँ आज के लिए इतना सारा ये मटेरियल है दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको। तो ये वाला किताब जो है, ये किताब बहुत ही अच्छा किताब है, इसमें से बेसिक जो है जानकारी मिल जाता है, कौन सी पूर्णिमा है, उसका महत्व क्या है। तो ये मराठी में है, तो अगर आप इस किताब को ले सकते तो आप अपने घर में रखिएगा, जो भी मराठी लोग है, और बाकी जो अदर लैंग्वेजेस वाले लोग है वो इंटरनेट पे सर्च करके उनको बहुत सारा जानकारी मिल जाएगा। हम लोग जनरली इससे देखते ही है, और साथ ही साथ बहुत सारे सोर्सेस से हम लोग पढ़ाई करते हैं और कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कम से कम समय में हम लोग ये बातचीत कर सके, धम्म चर्चा कर सके। तो ये किताब मैं रखता हूँ और आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम। तो हम बात कर रहे थे वर्षावास की इम्पोर्टेंस की, और कितना जरूरी है ये समझना कि बुद्ध वॉज सो मच इन ट्यून विथ नेचर। और इसी को लेके आनिचा एंड द्रोणा का गाया हुआ एक गीत हम नेपाली में प्रेजेंट करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, और अगर कोई है नेपाल से तो प्लीज बताइए हमने प्रोनाउंसिएशन वगैरह सही से किया है कि नहीं, और आपको गाना कैसा लगा वो भी बताइएगा। आखा मा
फुलको आखामा फुलै संसार आडाको आखामा ताडै संसार। इसका मतलब है कि जो जिनकी आंखें फूल जैसी हो वो संसार को फूल जैसे सुंदर देखते हैं, लेकिन जिनकी आंखें कांटों जैसी हो, कठोर हो, वो संसार को कठोरी तरीके से देखेंगे। तो यही बुद्ध का कॉन्सेप्ट है कि आप सुखी रहोगे तो आप सुख बांटोगे, सुख को पाओगे, और दुखी रहोगे तो दुख बांटोगे, दुख पाओगे। एट द सेम टाइम इस गाने में कहा जाता है कि जैसे आप है वैसे ही आपका छाया होगा। आप इंसान है तो आपकी छाया किसी पंछी की तो नहीं होगी ना, तो इसीलिए जैसा आप करोगे वैसा ही आपके साथ होगा, ऐसा बुद्ध कहते हैं। फूल को आखा माँ फूल ही संसारा, मेरा एक फेवरेट गजल भी है।
बताता हूँ मैं आपका आपको मेरा फेवरेट गजल, फिर चिड़ी बात बात फूलों की, तो मैं उससे बहुत कनेक्ट करता हूँ इस गाने को, ये सीक्रेट आपको बताया मैंने, फूलों की बात है तो फूल को आँखा में, बहुत अच्छा है ये, आप सुनिएगा इसको। तो फूल को आँखा माँ का जो सेकंड पैराग्राफ है उसका मीनिंग मैं थोड़ा बता दूं कि ताहा ताहा जून देखो कालो राताई माँ, ये पूर्णिमा से रिलेटेड है कि मैं बार बार जून मतलब चांद जो ये ब्राइट मून है इसको मैं कालो काली रात में देखती हूँ या देखता हूँ, क्योंकि इन दैट टाइम व्हेन यू आर इन डिस्पेयर यू लुक अप टू बुद्धा और यू लुक अप टू एनलाइटनमेंट विच गिव्स यू हैप्पीनेस विच गिव्स यू होप, तो उस काली रात में मैं बार बार उस ब्राइट मून को देखता हूँ या देखती हूँ। और जीवन का जो संगीत है कैसे जीना है ये मैं सिंपल चीज़ों से सीखती हूँ, इवन इफ इवन फ्रॉम डेड लीव्स, तो ये जो सूखे पत्तों की आवाज़ है उसी से मैं जीवन संगीत सुनती हूँ। और सांगलो आँखा माँ खुलचा मतलब सांगलो मतलब क्लियर, तो जो आंखें जो क्लियर होगी, बुद्ध कहते हैं कि जो एकदम सही से जैसा जो जैसा है वैसा आप देखोगे तो आपको रियलिटी दिखेगा और आप खुश रहोगे। तो क्लियरली अगर चीजें देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो, और अगर आप देखोगे तो आप खुश रहोगे। ये क्लियर देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। पसंदी के साथ में डायलॉग में बुद्ध ने ये बोला था कि प्यार जो होता है, जो प्रेम जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत बड़ा डायलॉग है, हम उतना भी नहीं डिस्कस करेंगे, पर ये क्लियरली देखने से प्रेम जो है हमारा बढ़ता है, जो मित्रता है वो बढ़ता है। तो जैसे कृतिका बात कर रही थी, हम लोग इस गाने में भी बात की है कि हम लोग जब चलते हैं तो कौन सा वाला वो पार्ट है जिसमें वो बोलते हैं कि मेरे पैरों से कीड़ा नहीं मरना चाहिए, तो इसमें करुणा है, करुणा सारे जीवों के लिए करुणा है कि मेरे से जीव हिंसा ना हो। हम लोग ये प्यार से आता है, और प्यार जो है वो करुणा प्यार ये मित्रता में तब्दील होता है। मित्रता जो है वो यानी सबसे बड़ा फॉर्म है मित्रता, इसको हम फ्रेंडशिप बोल सकते हैं, और फ्रेंडशिप से भी ज्यादा ही मित्रता है, ये मैत्री है, प्यार ही है वो, मतलब हाँ, सबके लिए प्यार है। हाँ, तो मित्रता जो है वो सारे जीवों के लिए समान मित्रता होता है, सबके लिए समान होता है। हम ये कोई कीड़े के लिए, कोई जानवर के लिए, चाहे वो जंगली जानवर हो, हाथी हो, क्योंकि बुद्ध के पूरे काल में, जीवन काल में फेरोशियस ऐसे जानवर थे, हाथी नाग जो फेरोशियस वाइल्ड एनिमल्स से जो हानि करने वाले थे, उनको भी बुद्ध ने और बुद्ध के संघ ने मित्रता से जीता है। तो ये क्रक्स है, ये जो है ये धर्म का क्रक्स है कि चीजें जीती जा सकती है, चीजों को जीतना पॉसिबल है, पर हर चीज के लिए जैसे बहुत सारा ये कैकोफोनी जो होता है, यानी बहुत शोर शराबा जो होता है, जो बोलते हैं कि लड़ाई करो, लड़ाई से ये करेंगे, ठीक है लड़ाई के लिए लड़ाई जरूरी होती है, पर हर चीज लड़ाई से मिलेगी ये गलत बात है। मित्रता ये बाबा साहेब ने हमको सिखाया कि मित्रता से, ये बातचीत से, डेमोक्रेसी से बहुत सारी चीजें जीती जा सकती है। और ये इस जैसे हमने लास्ट पूर्णिमा में अंगुलीमाल के बारे में बात की, एक मिनट तो लेट मी कंक्लूड। तो ये जो कीड़ों से हम लोग बातचीत किए, कीड़ों से करुणा और मित्रता, ये पूरा ओवरऑल जो है, ये पसंदी का जो डायलॉग चल रहा था तो उसमें बताया कि क्लियर व्यू क्या होना चाहिए, क्लियर व्यू कौन सा होना चाहिए। तो क्लियर व्यू तभी होता है जब हमको प्रज्ञा होती है, प्रज्ञा जिसको बोलते हैं, प्रज्ञाशील करुणा, ये बेसिक प्रिंसिपल्स है धम्म के जो बुद्ध ने, बाबा साहेब ने हमको सिखाया है। तो प्रज्ञा जब होता है, क्लियर व्यू होते हैं, कृतिका की बात को थोड़ा सा मैंने इलैबोरेट करके समझाने का कोशिश किया कि क्लियर व्यू जब होता है, कब होता है क्लियर व्यू, जब प्रज्ञा होती है, और वो किससे होता है, वो अष्टांगिक मार्ग में भी बाबा साहेब ने बताया, बुद्ध ने बताया, वो है सम्मा, हाँ राइट व्यू, सम्मादिट्ठि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट व्यू। ये जो है चीजें, देखो दोस्तों ये सब जुड़नी चाहिए, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि चीजों को जोड़ के प्रेजेंट करें, प्रज्ञा कैसे आएगी, राइट व्यू कैसा आएगा। तो ये सारा लिखा हुआ है, हम वही पढ़ते हैं और उसको बस अच्छी तरीके से बताने का कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो प्लीज कंटिन्यू, सब जुड़ा हुआ ही है ना, बिकॉज़ धम्म इज नथिंग बट द वे टू लिव लाइफ इन अ मैनर सच दैट यू डोंट हार्म एनीबॉडी, आप भी खुद दुखी ना हो, आप किसी को दुख ना दे। तो और वर्षावास इसीलिए इतना जरूरी हो जाता है, सो वी लव दिस सॉन्ग स्पेशली बिकॉज इट ब्रिंग्स आउट द एसेंस ऑफ वर्षावास, है ना। इस गाने को हमने इसीलिए लिया कि इसमें मतलब जो वर्षावास में आप चाह रहे हैं कि अपने अंदर कल्टिवेट हो, वो इस गाने में बहुत ही सुंदर तरीके से
और बहुत ही मैं कहना चाहूंगी शांत तरीके से बताया गया है. और एंड थैंक यू यू नो भंते जी फॉर मेकिंग दिस सॉन्ग और सिंगिंग दिस सॉन्ग एंड मेकिंग इट सो पॉपुलर. इट वाज द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स इन बुद्धिज्म. और अभी थैंक यू जो बोला है भंते जी को, तो हमें गाइड कर रहे हैं. बहुत सारे भिक्खु भंते हमारे टीचर्स हैं, वो हमको गाइड करते रहते हैं, हमको बताते रहते हैं क्या सही है क्या गलत है. और खासकर इन प्रोग्राम्स में हमारे दोस्त और हमारे जो टीचर्स हैं ये हेल्प करें, तो सभी को बहुत बहुत थैंक यू. कुछ लोगों के नाम हम ले लेते हैं, तो भिक्खुनी विजया मैत्रेया, उनका काफ़ी सपोर्ट होता है, उनसे बातचीत करते हैं, वो बताते हैं हमको, तो थैंक यू भंते जी. भिक्खु सुमनानंदा भंते, वो भी हमको हेल्प करते हैं सब चीजों को. भिक्खुनी विजय मैत्रेय और भिक्खुनी सुनीति धम्म सिस्टर्स हैं, उनके जो भी चर्चे हैं धम्म चर्चा करते हैं वो लोग, वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे. और देन कंटिन्यू. हाँ, भिक्खु सुनीति भी, तो क्योंकि वो दोनों का आपस में डिस्कशन होके होता है, तो हमको दोनों तरफ से मदद मिलता है. और सुमनानंदा भिक्खु, विमल कीर्ति गुणश्री भंते, ये सारे भिक्खु जो है वो सच में सपोर्ट करते हैं. हाँ, सॉरी, थोड़ा सा जोर से बात करूंगा. जय भीम सबको. तो हाँ, तो सभी को थैंक यू. हमारे दोस्त है, दोस्तों में सबसे पहले हमने बताया, अभी थोड़ा सा बताया कि सबसे पहले हमने बताया था सुशीम के बारे में. सुशीम ने ये बनाया है, तो सुशीम को भी थैंक यू. और हमारी पूरी बौद्धकारों की टीम जो है, कुछ के नाम लेते हैं, जैसे हमने अभी नाम लिया था उर्वशी का. उर्वशी ने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है. साथ ही साथ हमारे साथ प्रणव है, अक्षय है, और विनीत है, निधि है, जो काफी काम करते हैं. और भी लेंगे, हम लेते रहेंगे नाम धीरे धीरे. अभी बहुत सारे लोग हैं, सब लोग टीम में काम करते हैं, अच्छा काम होता है. तो सबको थैंक यू वेरी मच. और जब हम भंते भिक्खुनियों की बात कर रहे थे, तो आज फिर से आई जस्ट रिमाइंड दैट इट इज इंटरनेशनल भिक्खुनी डे टुडे, एंड वी वांट टू थैंक ऑल दोज पीपल, ऑल दोज भिक्खुनीज हु हैव गिवन अस, हु हैव शोन अस यू नो द वे टू अंडरस्टैंडिंग धम्म. और उसमें और एक अभी हमको कल या परसों हमको पता चला है इंटरनेशनल भिक्खुनी डे के बारे में, फ्रॉम भिक्खुनी तथा लोका भिक्खुनी से हमको पता चला है, शी इज डूइंग सम फैबुलस वर्क इन स्प्रेडिंग मोर एंड मोर अवेयरनेस अबाउट भिक्खुनी संघ. तो उनको भी हम बहुत बहुत वंदामी आपको भी, और बहुत बहुत वेदता देते हैं आपको. एंड इसी के साथ आगे बढ़ते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्षावास है. तो वर्षावास में तो दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा हमारी लैंग्वेज, तो हम लोग विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक सम परफॉर्मेंसेस इन इंग्लिश एज वेल, सो दैट पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड पीपल फ्रॉम साउथ इंडिया दे कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस इन दिस परफॉर्मेंस. सो फ्रेंड्स, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग not our performance is not so well, so we'll try. This is we give this assurance that we'll try our best to make some performances in English also. So please be patient in that. So we'll try. Yes. Yes. Please continue. So like I was saying that when we talk about Varshavas or Vassa, तो हम जब Varshavas की बात करते हैं, there's this connection to nature. Especially with relation to today is भाद्रपद पूर्णिमा. तो भाद्रपद पूर्णिमा में एक इंसिडेंट हुआ था, जिसकी वजह से इसको मधु पूर्णिमा भी कहा जाता है. सो टुडे इज ऑल्सो नोन एज मधु पूर्णिमा. आई एम सेइंग इट इज एज मधु पूर्णिमा नॉट बिकॉज आई एम बंगाली, बट मेनली बिकॉज दिस इज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट अप्लॉम्ब इन मधु पूर्णिमा इन बांग्लादेश. तो बांग्लादेश में जो कृतिका बांग्लादेश से रूट से कृतिका मैं बांग्लादेशी ही हूँ. तो बांग्लादेश के जो बुद्धिस्ट है वो मधु पूर्णिमा को सेलिब्रेट करते हैं. एंड मधु पूर्णिमा यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना, इस मंकी को, ये बंदर को, इनकी वजह से हम आज मधु पूर्णिमा सेलिब्रेट करते हैं. तो थोड़ा सा स्टोरी बता, मेघा ने बनाया है, बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट है मेघा का आर्ट. बौद्धकारो मेघा मेघा है
बहुत अच्छे आर्ट बनाते हर हर महीने ने मेगा ने शुरुआत किया आर्ट का जो कल्चर है। वी पुट इट इन द फ्रंट थोड़ा सा। हां दिखाते हैं ना थोड़ा सा दिखाते हैं। दिखाते हैं। ये देखिए लेट्स सी इफ इट फिट्स द फ्रेम। हां आई थिंक इट शुड। वैसे दिखेगा नहीं जब तक दिखेगा तो आप ये देखिए कि कैसे मेघा ने ये डूडल बहुत ही खूबसूरती से बनाया है। यहाँ पर मेघा ने ज्यादा एलिमेंट्स कवर करने का कोशिश किया है। आप देख सकते हैं ये हमारे वॉल पे भी है। तो भाद्रपद पूर्णिमा के बारे में ये बहुत अलग अलग एलिमेंट्स है इसमें। जैसे हम कह रहे थे राजा पसंदी और रानी मल्लिका भी है। और आज अभी जो हम बात कर रहे हैं वो है मधु पूर्णिमा के बारे में। तो मधु पूर्णिमा जो है ये भाद्रपद पूर्णिमा को कहा जाता है बिकॉज देर इज अ स्टोरी विच इज दैट देर यूज टू बी अ टाइम व्हेन बुद्धा वाज स्पेंडिंग हिज मॉनसून एट अ फॉरेस्ट कॉल्ड परिलायक फॉरेस्ट। परिलायक फॉरेस्ट। तो परिलायक जो है वो इस हाथी का नाम है। एंड दिस एलिफेंट was the protector of that forest. तो ये जो हाथी था परिलायक वो बुद्ध को प्रोटेक्ट करता था और बुद्ध को खाना वगैरह देना, बुद्ध की सेवा करना। तो बुद्ध के नेता से, बुद्ध की करुणा से there was a deep bond between that elephant परिलायक and बुद्ध। हाँ फ्रूट्स लाता था वो। आप फोटोज देखेंगे आज का, हमने फोटो शेयर भी किया है वो बहुत अच्छा है आप देखिएगा। तो परिलायक फॉरेस्ट में एक मंकी भी रहता था, उसका नाम हमको नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि इस बंदर ने एक बार बुद्ध के लिए मधु लाया था। मधु मतलब जहाँ से उसको भी लगा, बंदर को भी लगा कि बुद्ध उससे इतना प्यार कर रहे हैं, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ बुद्ध के लिए, क्योंकि बहुत ही प्रेम था। बिल्कुल मंकी को, इस बंदर को बुद्ध से बहुत प्रेम था, तो वो बुद्ध के लिए कुछ करना चाहता था। तो फिर क्या किया उसने बताओ, कंटिन्यू करते तो एक ऐसा हनीकॉम को क्या बोलते हैं, हनीकॉम को हनीकॉम ही अभी तो ऐसा हनीकॉम था जिसमें बीज नहीं थे, पर शहद का, मधुमक्खी का छत्ता छत्ता हाँ। तो उस छत्ते में मधुमक्खियां नहीं थी पर बहुत सारा शहद था। तो इस बंदर ने क्या किया कि उस शहद के छत्ते को he got that honeycomb, a piece of honeycomb and kept it for the Buddha, ठीक है। लेकिन बुद्ध ने उसको लिया नहीं, तो उसको लगा क्यों क्या हुआ। तो देन ही चेक कि उसमें कुछ हनीकॉम्ब में कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो उसको फिर देखा कि उसमें अंडे थे, छोटे 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 अंडे थे। तो उसने एक एक करके वो अंडे हटा दिए ताकि उसको अंडों को कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ इतना उसमें भी इतनी करुणा आ गई थी क्योंकि वो बुद्ध से सीखता तो था ही, है ना। तो फिर उसने वो सब हटा के फिर बुद्ध को दिया और बुद्ध ने वो मध जो है, वो मधु जो है, वो मधु जो है उसको एक्सेप्ट किया। और इसके वजह से आज के दिन को, उस गिफ्ट की वजह से आज के दिन को मधु पूर्णिमा कहा जाता है। तो ये मंकी जो है, दिस इज द रीजन, ही इज द रीजन, और ही और शी इज द रीजन दैट वी सेलिब्रेट मधु पूर्णिमा टुडे। सो विच इज ऑल्सो वाई टुडे अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ उपासक उपासिका, दे मेक अ लॉट ऑफ गुड फूड, दे ऑफर इट टू ईच अदर। दान पारमिता में बहुत सारा खाना देते हैं, भिक्खु संघ, भिक्खुनी संघ को बहुत सारे, वो जो भी मधु हो या फ्रूट्स हो या खीर हो, जो भी है खाने के लिए वो अच्छे अच्छे चीजें देते हैं। हम आशा करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपने भी सेलिब्रेशंस किए होंगे आपके घर में, क्योंकि हम अपना परफॉर्मेंस ऐसे टाइम पे रखते हैं कि आपका आपका सेलिब्रेशन खत्म हो जाए और हम सब मिलकर फिर धम्म चर्चा करें। हाँ। क्योंकि सेलिब्रेशन में सुत्त पठन होता है, बुद्ध के जो विचार है उसके ऊपर में फिर से रिकलेक्शन होता है कि हम बुद्ध क्या बोले हैं, कौन से सूत्र बोले हैं, उससे हम सीखते हैं। तो हर पूर्णिमा को ये होना चाहिए दोस्तों, इसलिए हम ये पूर्णिमा का दिन चूज किए हैं कि हम रेगुलर एक धम्म चर्चा कर सके, जिससे आप लोग भी अपने घर में एक उत्साह का वातावरण बनाए, साफ सफाई करके, खीर वगैरह जैसे भी आपको अच्छा लगता है, बुद्ध के और बाबा साहेब के स्पीचेस को भी आप पढ़े, उसको सब परिवार मिलके बैठ के, ये हमारा जो है ये ऐसा होना चाहिए, ये आइडियल हमारा कल्चर है। तो अम्बेडकराइट कल्चर हम ऐसा सोच रहे हैं दोस्तों, और सच में अम्बेडकराइट कल्चर ऐसा है। और कितना अच्छा, मतलब ये जैसे स्टोरी है हमको पता ही नहीं था कुछ दिनों के पहले तक, ठीक है, हम रिसर्च कर रहे थे हमको पता चला, और ये कितने सालों से लोग बता रहे हैं, और ये कितना अच्छा तरीका है बच्चों को पंचशील सिखाने का। हाँ और ये बुद्ध की वाणी ही है जिसने कहा था कि किसी जानवर को हानि नहीं पहुंचाना है। तो इसी को लेके छोटा सा गाने का छोटा सा एक पार्ट है। एक मिनट। हाँ तो दोस्तों मैं बोल रहा था, आप लोगों ने किया है क्या, अगर आपने देखिए
अपने घर में परफॉर्मेंसेस बोलता हूँ, सेलिब्रेशन किया है, सूत्र पठन किया है, बाबा साहब के स्पीचेस पढ़ा है, तो आप कमेंट कीजिए और बताइए कि आपने किया है सेलिब्रेशन पूर्णिमा। अगर आप पहले नहीं करते थे तो आपने शुरू किया है, क्योंकि हमको मैसेजेस आते हैं, हमको फोटोज भेजते हैं लोग, तो बहुत अच्छा लगता है कि लोग अपने घर पर जो है सेलिब्रेशन शुरुआत किए हैं और सब परिवार बैठते हैं और वो लोग जो है सूत्र पठन करते हैं, बाबा साहब का स्पीचेस का पठन करते हैं और पूर्णिमा का सेलिब्रेशन करते हैं दोस्तों। तो अगर आपने किया होगा तो प्लीज आप बताइए यहाँ पर आप करते और, हैं। और ये भी है कि अगर आपने नहीं भी किया है तो इट्स नॉट टू लेट। अभी अभी हमने शुरू किया है सेलिब्रेशन, तो अभी अभी हो सकता है आपको पता हो, लेकिन आज अगर पता चला है तो आज थोड़ा सा पढ़िए इसके बारे में और अगले पूर्णिमा को एकदम जोरों शोरों से खीर वीर बना के सेलिब्रेट कीजिए दोस्तों। हाँ देखो, हमको पिक्चर्स चाहिए। ये क्यों होना चाहिए एक बार हम फिर से, क्योंकि हमारा जो पूरा ये जो अम्बेडकराइट कल्चर फैलाने का प्रोग्राम जो है ये इसीलिए होता है क्योंकि समाज में बोलो, देश में बोलो, दुनिया में दुख बढ़ गया है, इनजस्टिस अन्याय वगैरह ये सब बढ़ गया है, बढ़ रहा है, तो इसको खत्म कैसे करना है, दुख अन्याय को खत्म कैसे करना है दोस्तों। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं, पर बाबा साहब ने बोला है कि नहीं, धम्म का फॉलो करना है, धम्म का हमको पठन करना है, जिससे क्या होगा कि हम सब एम्पावर होंगे, सब लोग हम ताकतवर बनेंगे और हम अगर ताकतवर बनते हैं तो अन्याय कम होगा, कम होते होते खत्म हो जाएगा, दुख जो है कम होगा, कम होते होते खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये सब अम्बेडकराइट कल्चर का जितना भी सेलिब्रेशन है वो जरूरी है दोस्तों। बिल्कुल, तो आगे चलते हैं, चलिए चलते हैं आगे। और ये सब जो फैसिनेटिंग स्टोरीज वगैरह है इससे और हमको अच्छा लगता है कि हम सेलिब्रेट करें। जैसे मधु पूर्णिमा, मधु पूर्णिमा हमारे नेबरहुड में सेलिब्रेट हो रहा है लेकिन हमको नहीं पता, पड़ोसी सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारे घर में आवाज तक नहीं है, तो इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कल्चर धीरे धीरे गुम हो गया था और हमको धीरे धीरे वापस लाना है। तो मधु पूर्णिमा को सेलिब्रेट करते हुए जानवरों के लिए जो ये प्रेम करुणा भाव जो बुद्ध की थी, क्योंकि बुद्ध और भी जानवरों के बहुत सारे स्टोरीज है, नागों के साथ हाथी तो है ही, और भी हम इनफैक्ट क्या नाम है नालागिरी का इंसिडेंट बहुत फेमस है, और भी अलग अलग एलिफेंट्स अलग अलग आए हैं जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है एनिमल वर्ल्ड को भी साथ में लेना। तो इसी के लिए एक मराठी गाना है जिसको हमने थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेटेड भगवान ने किया है, थोड़ा सा ट्रांसलेट किया है एक चंक, उसको थोड़ा सा गाते हैं। ये मराठी में
वैसे प्रहलाद शिंदे ने मराठी में गाया था, आनंद शिंदे का कॉम्पोजिशन है और ये बहुत बहुत ही अच्छा गाना है क्योंकि इसमें बहुत सटीक चीज है, प्राण अपने प्राण से भी जरूरी या अपने प्राण से भी प्रिय मानो सारे प्राणों प्राणियों की जीव, क्योंकि हम जनरली हमारी ईगो इतनी होती है कि हम अपने आप को ही सबसे बड़ा समझते हैं और थोड़ा मतलब चींटी होता है मच्छर होता है मार देते हैं समझते ही नहीं है कि उनको प्राण है, लेकिन बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा। बुद्ध ने कहा कितना भी छोटा प्राणी क्यों ना हो उसकी भी एक जीव होती है, उसकी भी एक कीमत होती है और हम उनकी हानि करते हैं तो हमारे में कितनी ज्यादा क्रोध होती है कि हम किसी को मार रहे हैं। तो यही चीज प्रिवेंट करने के लिए जो पानाती पाता फर्स्ट शील्ड जो होता है वो इसीलिए होता है ताकि अपना भी भला हो, हमको भी उस तरीके का गुस्सा ना आए कि किसी को मार ही डाले और दूसरे की भी हानि ना हो कि किसी की जान चली जाए। तो इसी हेरिटेज को कंटिन्यू अगर करना है तो ये सब स्टोरीज जो है परिलायक की स्टोरी है और मधु पूर्णिमा की जो स्टोरी है ये सब स्टोरीज जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे वर्षावास के बारे में। देखिए ये सुशील ने बहुत ही सुंदर कैलीग्राफी बनाई है, ये दिखा देता थोड़ा सा। ये वर्षावास के बारे में सुशील हमारे दोस्त है, आर्टिस्ट है, बहुत अच्छे उन्होंने बनाया है और उन्होंने बताया है कि वर्षावास में होता क्या है। वर्षावास में लोग अष्टशील का पालन करते हैं, खीर बनाते हैं, वो बहुत ही सुरेख सुंदर राइटिंग में जिसको कैलीग्राफी हम बोलते हैं थोड़ा सा होगा वो लिखा है सुशील ने, बहुत ही सुंदर है। तो सुशील के साथ साथ हमारी और दोस्त है प्रियंका, अभी हम बात कर रहे थे श्रावस्ती और वर्षावास के बारे में। श्रावस्ती वर्षावास का बहुत ही डीप कनेक्शन है। वर्षावास जब होता था तो 25 वर्षावास श्रावस्ती में हुए और 25 वर्षावास में से 19 वर्षावास जो है वो जेतवन में हुए। 19 वर्षावास एक जेतवन में बहुत ही फेवरेट जगह था वो बुद्ध का। तो यहाँ पर ये देखिए ये वाला पेंटिंग जो है ये बताते हैं, दिखा देते हैं। ये हमारी दोस्त है प्रियंका रेनबो क्रिएशन से, हाँ। और बहुत ही बढ़िया पेंटिंग करती है वो, तो उसने ये पेंटिंग किया है। तो इसमें बुद्ध को दिखाया है, पूर्णिमा दिखाई है और बुद्ध के जो तीन जो कुटिया है, हाँ मॉनेस्ट्रीज, हाँ गंधक कुटी, कोसंब कुटी और करोरी कुटी, ये जो तीन है बहुत ही सुंदर जेतवन और पूरा श्रावस्ती का जो है ये यहाँ पर उन्होंने ये देखिए तीन जो है कुटिया बताई है। ये तीन कुटियों में बुद्ध वास निवास करते थे उस समय पे। तो ये जगह ये देखिए किंग पसेंदी है, यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बना है, बहुत सारी चीजें लोटस है और भिक्खु संघ है, बहुत बहुत सुंदर बना है। ये भी हमारे पेज पे है, आप डिटेल देख सकते हैं। और साथ ही साथ एक जरूरी चीज बता दे कि अगर आपको ये पेंटिंग्स चाहिए है तो ये लोग कमर्शियल आर्टिस्ट है, ये प्रोफेशनल आर्टिस्ट लोग है, आप इनसे सीधा खरीद भी सकते हैं, आप इनको कांटेक्ट कीजिए सीधा और आप इनसे सीधा ये मंगवा सकते हैं अपनी पेंटिंग्स जो है। तो हम कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ बोल रहे थे तुम, सॉरी। नहीं नहीं, आई वाज जस्ट सेइंग कि ये पेंटिंग्स वगैरह जो है और भी बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स है इनकी धर्म रिलेटेड, ये तो हमने सिर्फ कुछ ही लगाए हैं जो भाद्रपद पूर्णिमा स्पेसिफिक है। मैं आपको प्रियंका का और एक पेंटिंग दिखाना चाहूंगा। बिल्कुल, अम्बेडकराइट कल्चर में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके ऊपर प्रियंका ने ये कैलीग्राफी बनाया है। कैलीग्राफी नहीं, सॉरी, ये पेंटिंग बनाया है। एक कमेंट आया तो प्रियंका पेंटर है, हाँ। सुशीम जो है वो भी वैसे पेंटर है पर कैलीग्राफी सुशीम का है, माँ बाप जो है प्रियंका का है, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक किताब बुद्ध का है, एक किताब बाबा साहेब का है। तो कैसे कल्चर डेवलप करना है ये बहुत ही सुंदर इमेजिनेशन है ये प्रियंका का। देखिए इसका नाम उसने प्रियंका ने दिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सुंदर है। तो आपको ये सब पेंटिंग्स अगर चाहिए तो प्लीज कॉन्टेक्ट प्रियंका। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है कि इन पेंटिंग्स को हम प्रोपगेट करें। हाँ, हाँ, और घर, ज्यादा घर से ज्यादा पेंटिंग्स लगनी चाहिए। ये कल्चर
क्योंकि आप विजुअल कल्चर से भी आपके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। हम तो वैसे म्यूजिक के थ्रू करते हैं, लेकिन वी बिलीव दैट कल्चर इज इन एवरीथिंग। आप क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, ये सब भी आपके कल्चर में आता है। तो ये सारी चीजें, ये स्टोरीज, और अभी आप स्टोरीज की बात कर रहे थे तो ये तो वैसे बांग्लादेश की एक सेलिब्रेशन थी, बट श्रीलंका में आज का दिन बहुत ही अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि श्रीलंका में भी एक बहुत ही रिच बुद्धिस्ट हेरिटेज रहा है। इनफैक्ट हमको भी बहुत सारी चीजें जो बुद्ध के बारे में पता चली है वो श्रीलंका की वजह से पता चली है। श्रीलंका में कुछ टेक्स्ट्स थे, कुछ और चीजें हेरिटेज रही है जो जिनकी वजह से हम जान पाए। बराबर है दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा एक किताब के बारे में। ये किताब बहुत ही जरूरी है और ये किताब सबने पढ़नी चाहिए। ये दीपवंश है, ये द आइलैंड क्रॉनिकल इसको बोला जाता है। ये किताब आप देखिए, ये किताब पीडीएफ है हमारे पास में, जिसको अगर चाहिए होगा तो आप बताइएगा, हम आपको भेजेंगे। और साथ ही साथ और एक किताब है, ये हम आपको बताते हैं, ये है महावंश। महावंश किताब आप देखिए, ये इसका भी पीडीएफ हमारे पास में है। तो ये ग्रेट क्रॉनिकल इसको बोलते हैं। तो कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जो 1850 तक ये काम किए, और ये सारी जो किताबें हैं, ये दो खास दो किताबें, ये दो किताबें बहुत जरूरी हैं। और जॉर्ज टर्नर करके नाम है, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसके साथ में रेवरेंड फॉक्स उनके पहले, उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इन ऑफिसर्स ने, इन ब्रिटिश ऑफिसर्स ने ये किताबें ढूंढ निकाली, और इन किताबों के वजह से सारा जो हमको इतना भी आज हिस्ट्री पता चलता है धम्म के बारे में, ये इन्हीं दो किताब का मेजर देन है, ऐसा बोलने में गलत नहीं होगा। दीपवंश और महावंश, तो ये किताब जरूर अगर आप ले सकते हैं तो आप खरीदिए, नहीं तो अगर आप हमसे चाहते हैं तो हमको बताइएगा, हम इसका पीडीएफ आपको भेजेंगे। वैसे पीडीएफ तो ऑनलाइन मिल जाता है। हाँ। और एक किताब है, उसके बारे में भी थोड़ा बता दें, क्योंकि ये फ्री अवेलेबल है। ये किताब अशोका है, ये किताब पहले भी शायद बताया है। आप जरूर जरूर पढ़िए, हम हर प्रोग्राम में इसके बारे में बताएंगे ताकि आप इसको जरूर लें और इसको आप जरूर पढ़िए। तो श्रीलंका की हम बात कर रहे थे। हाँ, ये चार्ल्स एलन की अशोका है, ठीक है। हाँ। ये बहुत ही जरूरी है, चार्ल्स एलन की अशोका बहुत ही जरूरी किताब है अगर आपको रीडिंग अच्छी करनी है तो। हाँ। और हाँ, तो हम श्रीलंका की बात कर रहे थे। तो श्रीलंका में जो ये टेक्स्ट पाए गए हैं, तो श्रीलंका का ये जो कल्चर है ना, ये बहुत ही रिच रहा है, क्योंकि अशोक कालीन जो धम्म प्रचार था वो श्रीलंका में बहुत ज्यादा इफेक्टिव हुआ था, और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज थी जो श्रीलंका में हिस्ट्री में पॉपुलर हो गई, ठीक है। हो सकता है हमको ना पता हो उसके बारे में, लेकिन श्रीलंका ने उसको इंटैक्ट रखा, और उसमें से एक बहुत ही जरूरी हिस्ट्री है जो कि काफी हद तक उसको इरेज करने की कोशिश रही है, वो है भिक्खुनी संघ के ओरिजिन का स्टोरी। हाँ, तो ये देखिए, अभी ये पेंटिंग जो है हमारी श्रीलंकन दोस्त खास, यानी फ्रॉम द आइलैंड, यस, फ्रॉम द दीपवंश, फ्रॉम द आइलैंड ऑफ लाइट। हाँ, तो फ्रॉम द श्रीलंका, और उसमें से भी खास अनुराधापुर से है, चामिनी हमारी दोस्त है, ये आप पेंटिंग उसका देख सकते हैं, भिक्खुनी संघ का डॉन पर उन्होंने ये बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाई है, देखिए। तो ऊपर करके, हाँ, ये प्रजापिता गौतमी है यहाँ पर है, और उनके साथ में श्रीलंका में कहा जाता है कि 500 भिक्कुनियों का ऑर्डिनेशन हुआ था आज के दिन। ये बहुत ही जरूरी फैक्ट है दोस्तों, और ये श्रीलंकन आर्ट ही है, ये श्रीलंकन आर्ट स्टाइल है जो ये चामिनी भी एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, वॉल पेंटिंग करती है और ऐसे स्केचेस भी बनाती है। तो इफ यू वांट टू गेट इन टच विथ हर, ऑल ऑफ दीज आर्टिस्ट्स, वी हैव शेयर्ड देयर वर्क ऑन आवर पेज, बौद्धकारों के पेज पे है, आप उसके थ्रू उनके पेजेस तक जा सकते हैं, या तो हमको पूछे, हम आपको लिंक दे देंगे। और ये आर्टिस्ट सब जो है धम्म प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं, सब अम्बेडकराइट कल्चर को स्प्रेड करने का काम कर रहे हैं, जो हम हैशटैग यूज करते हैं स्प्रेडिंग अम्बेडकराइट कल्चर, यही चीज वो भी करते हैं। तो इसीलिए हम
चाहते हैं कि इनका काम और लोगों तक पहुंचे, घर घर में ये ब्यूटीफुल आर्ट्स जो है ये घर घर तक पहुंचे। बहुत ही सुंदर चामिनी ने ये आर्ट वर्क बनाया है, इसको भिक्कुनी संघ के जो तथालोक का भिक्कुनी है उन्होंने शेयर किया और थैंक यू बोला। थैंक यू भिक्कुनी आपके लिए, क्योंकि उन्होंने बोला कि पौधकारों का ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है कि भिक्कुनी संघ के ऊपर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जो कि कम बातचीत होती है भिक्कुनी संघ के ऊपर में, पर हमें सच में लगता है कि भिक्कु और भिक्कुनी दोनों ही इक्वल है, दोनों का ही इक्वल वर्थ है और दोनों ही हमारे टीचर्स हैं। बिल्कुल, इनफैक्ट बुद्ध के हिसाब से भी संघ जो है वो चार पैरों पे खड़ा है। वो चार पैर क्या है? भिक्खु, भिक्खुनी, उपासक, उपासिका। ये चार पैर है संघ के जो उसको मजबूत रखता है, और एक भी पैर थोड़ा भी ढीला हो गया तो वो चेयर कभी, या तो वो जो भी प्लेन है वो कभी सीधी नहीं रह सकती। तो इसीलिए बहुत जरूरी है, और इसीलिए श्रीलंका में आज का दिन जो है उसको बहुत जोरों शोरों से मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन कहा जाता है कि प्रजापति महाप्रजापति गौतमी जो कि बुद्ध की माँ थी या मासी थी कह सकते हैं, जिन्होंने बुद्ध को बड़ा किया, इसीलिए बुद्ध को हम गौतम बुद्ध कहा जाता है उन्हीं के नाम से। वीणा से निकली गौतम की छनका, देखिए तो गौतमी है। तो गौतमी जो है वो उनको मॉन्क बनना था, और थोड़ा सा बताएंगे और डिटेल में, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो गौतमी जो है उनको मॉन्क बनना था, और भी बहुत सारे लोग थे जिनको कपिलवस्तु में जिनको मॉन्क बनना था। तो ये गए थे बुद्ध के पास में, गौतमी गई थी कि हमको भी संघ में लो, और उसको बुद्ध ने मना कर दिया था कि नहीं अभी टाइम सही नहीं है। तो आज के दिन फाइनली गौतमी ने क्या किया, महाप्रजापति गौतमी ने आज के दिन एक ऐसा कदम उठाया जिसकी वजह से बुद्ध को फाइनली एक्सेप्ट करना ही पड़ा। वो क्या था वो हम इस गाने के छोटे से गाने के बाद बताते हैं। हाँ, तो ये गाना जो है दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये गाना जो प्रजापति गौतमी है जो पहली भिक्कुनी बनी, जिसके वजह से ये भिक्कुनी ऑर्डर का शुरुआत हुआ, संघ में वुमेन का एंट्री हुआ, ये बहुत एक रेवोल्यूशनरी एपिसोड है, यानी पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में जहाँ पर महिलाओं को बराबरी का स्थान नहीं मिलता था और बुद्ध ने वहाँ पर वो स्थान दिया। तो ये जब भिक्कुनी वहाँ पर जा रही है, संघ में जा रही है, तो वो क्या सोच रही है, और जब मौका नहीं मिल रहा था तो वो क्या सोच रही थी, देखिए ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा गाना। तो हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि गौतमी महाप्रजापति गौतमी ने अपने मन में ये कहा होगा, या तो बुद्ध को जाके ये कहा होगा, हे शांति दूत वंदना सुमन स्वीकार करो,
कीजिए, अभी भी समय है शेयर करने का और दोस्तों तक पहुंचाइए, प्लीज प्लीज शेयर कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। प्लीज शेयर द वर्ड ऑफ धम्मा, इससे बहुत मंगल होता है दोस्तों, प्लीज शेयर करिए। तो ये महापति प्रजापति गौतमी जो है ये बोल रही है बुद्ध को कि हे शांति दूत, ये मेरी वंदन जो है वो स्वीकार करो, हमें भी वो मार्ग दिखाओ, जो सन्मार्ग जो आपने ढूंढ निकाला है धम्म का, ये क्या है वो हमें भी बताओ। तो इस पे हम आते हैं गौतमी सूक्त पे, ठीक है। तो गौतमी सूक्त जो है ये आपको वैसे ऑनलाइन तो मिल जाएगा, ये एक सूक्त है जो बताता है कि कैसे भिक्खुनी संघ की शुरुआत हुई और आज इंटरनेशनल भिक्खुनी डे पे, इंटरनेशनल भिक्खुनी डे सबको, ऑल आर ग्रेटफुल टू एवरीवन एंड थैंक यू टू ऑल द भिक्खुनीज हु हैव केप्ट दिस ट्रेडिशन अलाइव। भिक्खुनी संघ का ट्रेडिशन बहुत जूझना पड़ा है उनको, बहुत डिफिकल्ट रहा है। प्रियंका यहाँ पर आ गई है, प्रियंका जय भीम, जय भीम है, खूब आनंद झाला हमारा। तो ये गाना वैसे हमने हमारा कंपोज किया नहीं है, दिस इज अ वेरी ओल्ड सॉन्ग, ये इनफैक्ट वी आर नॉट इवन श्योर कि कौन सिंगर है, लेकिन ये बहुत ही पुराना गाना है और बहुत इस एल्बम के बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने हैं। तो अगर हमको मिलता, अगर आपको पता हो तो प्लीज बताइए। तो ये गौतमी सूक्त के बारे में हम कह रहे थे, तो गौतमी सूक्त बात करता है उस दिन की जिस दिन भिक्खुनी संघ की शुरुआत हुई। तो गौतमी सूक्त तो शुरुआत में ये कहा जाता है कि कैसे महाप्रजापति गौतमी बुद्ध से मिलने गए कपिलवस्तु में, क्योंकि बुद्ध के जो पिता थे उनकी मौत हो गई थी, तो उनकी आखिरी इच्छा थी कि मेरा एक एकलौता बेटा है वो आके मुझे मिले। तो बुद्ध ने उनकी जो ये इच्छा है वो पूरी की, तो वो गए थे। उस टाइम पे महाप्रजापति गौतमी वो बहुत ही सैड थी, बहुत ही डिप्रेस थी। उन्होंने बुद्ध को कहा था कि हे बुद्ध, मुझे अब तुमको एनलाइटनमेंट मिल गया है तो मुझे भी एनलाइटन होना है, तो मुझे भी संघ में ले लो। उन्होंने बोला था नहीं, मैं नहीं कर सकता ऐसा। तो उन्होंने बोला कि और भी इतनी सारी महिलाएं हैं, क्योंकि धम्म इतने सारी महिलाओं को चाहिए, तो वो भी संघ में आना चाहते हैं, तो हम सब चाहते हैं कि हम संघ से जुड़े। तो बुद्ध ने तीन बार गौतमी ने उनको पूछा और तीन बार बुद्ध ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। फिर वो वहां से छोड़ के वो वापस आ गए वैशाली में। तो वैशाली में जब वो वापस आए तब उसके बाद गौतमी ने सोचा, महाप्रजापति गौतमी ने सोचा कि बुद्ध जो है वो इतने आसानी से नहीं, मतलब उनको क्या लगता है कि महिलाएं जो कठिन जीवन है, जो आठ अष्टशील है, या तो जो भिक्खु का एक जीवन है उसको नहीं जी पाती है क्या, हम ये प्रूव करेंगे कि वो जी पाती है। तो उन्होंने इतने सारी महिलाओं को, श्रीलंका में बोलते हैं कि 500 महिलाओं को लेकर वो कपिलवस्तु से वैशाली तक पैदल वो लोग चले और उन्होंने अपने बाल काट दिए, उन्होंने चीवर खुद ही धारण कर दिया, ये प्रूफ करने के लिए कि वो भिक्खु के जैसे रह सकती है। तो इसीलिए उन्होंने रेवोल्यूशन किया, उन्होंने बोला अच्छा तुमने दो, हम अपना हक खुद बना के मांग के लेंगे। हाँ, तो उन्होंने फिर वो गए वहां पे और वहां जाके फिर ऐसा नहीं है कि खुद से ही शुरू कर दिया, उन्होंने वहां जाके फिर से बुद्ध को कहा कि हे बुद्ध, देखो हम चीवर भी धारण कर लिए हैं, हमने बाल भी काट लिए हैं, हम चाहते हैं कि आप फॉर्मली हमको भिक्खुनी संघ में एंट्री दे, भिक्खुनी संघ बनाए। उस टाइम पे कोई भिक्खुनी संघ नहीं था। तो महाप्रजापति गौतमी और ये सारे जो महिलाएं थी वो गई और वो उन्होंने ये नमन किया। बुद्ध ने उस टाइम पे भी कहा कि नहीं, ये टाइम सही नहीं है, क्योंकि समाज ऐसा था कि महिलाओं को अकेला रहना, अभी हमारे समाज में भी इतना प्रोग्रेस हो गया है, अभी तक महिलाओं को अकेले नहीं रहना, मैंने बहुत कंजर्वेटिव समाज है, महिलाओं को अलग तरीके से देखा जाता है, अगर वो अकेली रहे या तो सिर्फ महिलाओं में रहे, तो दे हैव टू परफॉर्म देयर वर्ल्डली ड्यूटीज, दे हैव टू गेट मैरिड, दे हैव टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, दे हैव टू टेक केयर ऑफ फैमिलीज, हाउ कैन दे जस्ट लीव एवरीथिंग और चीवर धारण करके वो चले जाएंगे, ऐसे थोड़े ना होगा। तो इसीलिए बुद्ध को लगा कि ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उनको हो सकती है, समाज में उनको गलत निगाहों से देख सकते हैं। तो लेकिन भंते आनंद थे जो बुद्ध के, ये बहुत जरूरी है दोस्तों, हाँ, यहाँ पे है भंते आनंद को, यहाँ हाँ, दिखाया गया है भंते आनंद। जब भी ये भिक्खुनी संघ का फोटो बनेगा तो एक बार ध्यान रखिएगा, एक भिक्खु रहेंगे वहां पर, वो भिक्खु और कोई नहीं रहेंगे, पर भिक्खु आनंद रहेंगे, भंते आनंद, क्योंकि भंते आनंद का बहुत ही बड़ा रोल रहा है बुद्ध को कन्विंस करने में कि भिक्खुनी संघ का जरूरत है और भिक्खुनी संघ होना चाहिए। तो
आनंद बहुत ही प्रोग्रेसिव भिक्खु थे, बहुत दूर की सोचते थे और बहुत इक्वालिटी समता में बहुत विश्वास रखते थे। तो बुद्ध को उन्होंने बहुत ही कन्विंस किया कि नहीं, बुद्ध तथागत भिक्खु ने संघ होना चाहिए। तो ये कैसे बोला जाता है? हाँ, तुम बताओ। हाँ, तो ये कहा, मतलब ऑब्वियसली ये महिलाएं इतनी दूर से पैदल चल के आई है, कहा जाता है 15 दिन उनको लगे चलने। थैंक यू गार्गी, प्रेजेंटेशन इज गुड, शी से थैंक यू। आपको कुछ भी लगता है तो आप लोग प्लीज कमेंट दीजिए और आप बताइए। और आपको कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना है तो आप थोड़ा सा हमें बता रहा हो, आप प्लीज शेयर कीजिए यहाँ पर। और आप हमको मैसेज कॉल भी करके बता सकते हैं, तो आप लोग प्लीज करिए। और एक बात बताते हैं कि ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है इसमें हमको चामिनी जो है आर्टिस्ट है पर उनको नॉलेज भी बहुत है, तो चामिनी का बहुत थैंक यू क्योंकि उन्होंने हमको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया और हमारे बातचीत होते रहती है, हम सभी लोगों से सीखने का कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और श्रीलंका जिंदाबाद, श्रीलंका से हमको इतना सारी चीजें, इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है बुद्धिस्ट कल्चर, बुद्धिस्ट हिस्ट्री के बारे में। तो आज के दिन का ये स्पेशलिटी है कि आज ही के दिन ये लोग पहुंचे थे वैशाली, और इतने दिन ट्रैवल करने के बाद जब वो इतने, मतलब समझे कि बता रही थी, हाँ वही बता रही कि इतने हार्डशिप्स के थ्रू वो गए, इतने दिन चल के गए, हो सकता है बारिश हो रही थी तो उनकी हालत जो थी वो मतलब दे वो ब्लीडिंग, कभी उनको आदत नहीं थी इतना कंटिन्यूस चलने की। मतलब कोई भिक्खू भी होता है तो इतना कंटिन्यूस नहीं चलता है, थोड़ा रेस्ट लेगा या तो एक जगह पे थोड़ा दिन रहेगा। सो एक यू नो इट्स अ डेवलपमेंट। तो ये लोग डायरेक्टली इतना कुछ करते हैं तो दे वर वेरी एग्जॉस्टेड। उनको देख के आनंद को जो है, भिक्खू आनंद जो थे उनको देख के उनका बहुत करुणा जागी कि इनकी हालत ऐसी होगी, लेकिन दे आर सो डिटरमाइंड कि नहीं हमको धम्म चाहिए। तो ये फिर गए बुद्ध के पास, भंते आनंद जो है बुद्ध के पास गए और उन्होंने बुद्ध को सीधा एक सवाल पूछा कि बुद्ध आपकी परवरिश जो है, ये महाप्रजापति गौतमी ने बचपन से आपकी परवरिश की है, इतने सारे उन्होंने मतलब आपको इतने सारे कठिनाइयों से उन्होंने एक चीज ऐड करता हूँ, उन्होंने एक चीज ये भी बोला था कि क्या उनको निर्वाण के बारे में जो बात थी। अच्छा हाँ, प्लीज प्लीज, मतलब इस सूत्र में जैसा दिया हुआ वैसा मैं बता रही हूँ कि जो जिस गौतमी ने आपको इतनी कठिनाइयों से बड़ा किया है, पाला पोसा है, क्या आपको लगता है कि इनको एनलाइटनमेंट नहीं मिल सकता है? किसने बोला था ये? आनंद ने। देखो आनंद ने। तो क्या इनको एनलाइटनमेंट नहीं मिल सकता है जो इतना जूझ कर इतने लाइफ देते हैं और लाइफ परवरिश करते हैं, लाइफ क्रिएट करते हैं, क्या वो आपको लगता है एनलाइटनमेंट नहीं, उनके लिए नहीं है? तो बुद्ध ने कहा बिल्कुल है, एनलाइटनमेंट सबके लिए है, मैं तो धम्म, जब धम्म का मार्ग है वो सबके लिए है। तो आनंद ने कहा कि तो फिर महिलाओं को क्यों नहीं मिलना चाहिए ये मार्ग? महिलाएं अगर पूरा टाइम इसी ध्यान में लगाना चाहती है, महिलाएं अगर भिक्खु संघ बनाना चाहती है और वो चाहती है कि हम जूझे और समझे धम्म को, घर बार छोड़ के सिर्फ धम्म का काम करे, तो उनको क्यों हक नहीं है? तो बुद्ध ने कहा था कि बिल्कुल हक है। तो इसी बात से आज ही के दिन भाद्रपद पूर्णिमा के दिन, क्योंकि वो लोग आए थे तो बाय द टाइम दे हैड कम इट वाज ऑलरेडी आफ्टरनून, एंड बाय द टाइम आनंद स्पोक टू बुद्ध एंड एवरीथिंग इट वाज ऑलरेडी नाइट। सो इतना टाइम लेके, तो ये जो बात थी दोस्तों, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा था इसमें कि मेन कॉन्वर्सेशन और एक जगह लीड करता है, वो है कि क्या वुमेन, क्या महिला को निर्वाण नहीं मिल सकता है? और ये बहुत बड़ा एक प्रश्न था इस सूत्र में, है एक बहुत बड़ा प्रश्न था जो भंते आनंद ने किया भंते बुद्ध से, यानी भंते ही बोलते थे बुद्ध को। तो बुद्ध को ये सवाल किया तो बुद्ध ने बोला कि हाँ बिल्कुल निर्वाण मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता है? तो निर्वाण ये ऐसी चीज है जो बहुत ही समतावादी है, सभी को मिल सकता है निर्वाण, तो फिर भी क्यों नहीं? तो ये पूरा कॉन्वर्सेशन हुआ और उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि भिक्खुनी संघ का तैयारी होता है। तो आज ही के दिन फिर बुद्ध ने कहा कि ठीक है उनको निर्वाण बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन उस टाइम पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस, जैसे हमने कहा कि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी और ये गौतमी सूत्र में भी बताया गया है, तो उनके लिए कुछ और एक्स्ट्रा रूल्स दिए गए जिसको बोला जाता है गुरु धम्म, ठीक है? तो ऐसे 8 और रूल्स दिए गए
जिसमें भिक्खुनी संघ को भिक्खु संघ से सीखना था, और इसी इन इन रूल्स को अगर वो एक्सेप्ट करे तभी बुद्ध ने कहा था कि अगर वो ये रूल्स फॉलो करेंगे तभी वो भिक्खुनी संघ बना पाएंगे। तो आनंद ने जाके गौतमी को यही कहा कि देखिए आप बन तो सकती है लेकिन ये गुरु धम्म आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो गौतमी ने कहा बिल्कुल, अगर इफ दिस इज व्हाट इट टेक्स फॉर मी टू बिकम अ भिक्खुनी, फॉर ऑल ऑफ अस टू बी ऑर्डिनेटेड एज ऑर्डेन्ड एज भिक्खुनीज, तो हमको स्वीकार है। तो इसीलिए आज ही के दिन 500 भिक्खुनी मतलब 501 भिक्खुनियों का ऑर्डिनेशन हुआ और भिक्खुनी संघ जो है इसकी स्थापना हुई। आई जस्ट एड, ये जो एक किताब है ओल्ड पाथ वाइट क्लाउड्स, ये थिक नाथ हान वियतनामीज एक मॉन्क है, इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दी गई है बुद्ध के लाइफ के बारे में, और इसमें भी भिक्खुनी संघ के स्टार्ट के बारे में, इनिशिएशन के बारे में लिखा गया है। इसमें कहते हैं कि 50 भिक्खुनियां थी, 50 महिलाएं थी, तो जो भी है वॉट एवर इट इज, बट द पॉइंट इज दैट देयर वाज अ फुल संघ दैट वाज इनिशिएटेड ऑन दिस डे बिकॉज ऑफ द रिजिलियंस ऑफ वुमेन, क्योंकि वो डटी हुई थी कि नहीं हमको चाहिए ये मार्ग, हमको हम लेके रहेंगे। तो इसीलिए उन्होंने हिंसा नहीं हुई, नहीं बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल नहीं, तलवार लेके नहीं आए या बॉम्ब लेके नहीं आए और कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं किया, बातचीत से हुआ। अगर विल में पावर रहा और करने की ताकत रही तो चीजें पॉसिबल हो सकती है। बिल्कुल, तो ये चीज पॉसिबल हुई और हम देखते हैं कि भिक्खुनी संघ आया। तो और एक चीज, और एक किताब आपको दिखाते हैं, ये वाला। हाँ, तो भिक्खुनी संघ का एक हिस्ट्री रहा है, ये है थेरी गाथा। तो थेरी गाथा में बहुत सारे भिक्खुनियों के जो वर्ड्स है, उनके वर्सेस है, उन्होंने जो बोला हुआ वचन है वो सारा इसमें कंपाइल्ड है। थेरी गाथा बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है, एक तो आप अगर ले सकते हैं, ये सम्यक प्रकाशन में आपको आसानी से मिल जाएगा थेरी गाथा। ये इंग्लिश में भी फ्रीली अवेलेबल है, बहुत सारे लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप बताइएगा हमको, हम आपको पीडीएफ भी अवेलेबल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये भी आप एक जरूर लेके पढ़िएगा, क्योंकि ये चीजें जो है थेरी गाथा भिक्खुनी संघ, इसके ऊपर में ज्यादा बातें नहीं होती है, क्योंकि हमारा समाज जो है वो बहुत ही पुरुषवादी समाज है, पुरुष ज्यादा डोमिनेंट होता है। पर ये चीजें खत्म होनी चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए, इसीलिए धम्म का रोल बहुत बड़ा है यहाँ पर। तो ये सारी चीजें हमने आगे बढ़ानी चाहिए दोस्तों, तो ये किताब आप ध्यान में रखिएगा। और आज जैसे इंटरनेशनल भिक्खुनी डे है, तो आज तो बहुत सही मौका है कि आप भिक्खुनी संघ के बारे में और जाने और इसके बारे में सीखे। तो भिक्खुनी संघ के जो ये गुरु धम्म है ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो गया था, क्योंकि इनमें बहुत सारे रूल्स है जिसकी वजह से भिक्खुनियों को भिक्खु के अंडर होने की जरूरत थी। और ये इसको लेके बहुत सारे मतलब लोग सवाल उठाते हैं कि नहीं नहीं बुद्ध इगैलिटेरियन नहीं थे, बुद्ध जो है इक्वल नहीं थे, बुद्ध ने भिक्खुनी संघ को नीचे रखा, भिक्खु संघ को ऊपर रखा। तो क्या ये चीजें सच में थी या नहीं थी, सवाल है दोस्तों। और हम इसी सवाल के साथ में हम एंटर कर रहे हैं हमारा तीसरा पार्ट, हमारे आज के प्रोग्राम का तीसरा पार्ट, जो कि बहुत जरूरी पार्ट है, तो हम प्लीज जो कि है कि ये सच में इमेंसिपेटरी था, मतलब सच में कोई रेवोल्यूशनरी चीज थी जो बुद्ध ने की कि भिक्खुनी संघ बनाया, या तो बुद्ध ने भिक्खुनी संघ को भिक्खु संघ से नीचे रख के वैसे ही ट्रीट किया जैसे समाज ट्रीट करता था। हाँ। तो ये सवाल का तोड़ क्या है ये बाबा साहेब ने बहुत सही तरीके से बताया। तो एक गाना, तो हम एक गाना से शुरुआत करते हैं। बाबा साहेब की बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, बाबा साहेब ने इतना सही हमको मार्ग दिया है और सारी चीजें क्लियर करके हमको समझाई है उनके राइटिंग्स में, तो बहुत सारी बातें हैं और इतनी सारी बातें कैसे बोले। बिल्कुल बिल्कुल, और बाबा साहेब का सबसे सही बुक आपको ये तो पढ़ना ही है। तो और भी चीजें हैं, और भी चीजें देखिए आप जरूर, हम हर परफॉर्मेंस में दिखाएंगे। ये हमारा मस्ट रीड, एवरीडे मस्ट रीड बुक है, और इसको पढ़ने से बहुत एम्पावरमेंट होगा, हमारा एम्पावरमेंट होगा दोस्तों। तो क्या होगा, इनजस्टिस खत्म होगा, दुख खत्म होगा, तो ये तरीका है बाबा साहेब का। तो बाबा साहेब क्या कहते हैं भिक्खुनी संघ के ऊपर और महिलाओं के ऊपर, ये जानेंगे। आवाज आए यहाँ से, कैसे आवाज आए? तो ये जानेंगे हम, उसके पहले एक मराठी में गाना है, उसको गाते हैं। ये गाना जो है
इसको जो मैं बात बोल रहा था दोस्तों कि बाबा साहब की इतनी सारी कहानियां है, इतनी बातें है कि क्या गेस करने दे थोड़ा सा, बताओ कौन सा है ये वाला गाना। हाँ, महिलाओं से लेकर स्पेसिफिक ये गाना है, इस गाने में है। और मेरी गाना बोलता है कि बाबा साहेब की इतनी सारी बातें हैं, क्या बताए आपको, कैसे बताए, कितनी इतनी सारी अच्छी बातें की है, मंगल बातें की है बाबा साहेब। हम लोग स्प्रेडिंग अम्बेडकराइट कल्चर में बाबा साहेब की बातों को आगे बढ़ाने का, उनकी बातों को स्प्रेड करने का काम का कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो बताइए जरा, गेस तो कीजिए ये कौन सा गाना, ये शांताराम नंदगांवकर जी का लिखा हुआ है। मराठी लोग स्पेशली बताइए कौन सा मराठी गाना है, बहुत फेमस है और बताता है कि कैसे, मैं बताऊं कि बाबा साहब का थोड़ा सा म्यूजिक से नहीं, अच्छा हाँ थोड़ा सा वैसा ला 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 ला, अरे ये म्यूजिक नहीं देना था, वो देना था। देखो वायलेंस हो रहा है, वायलेंस नहीं है, ठीक है पर हाँ, तो म्यूजिक जो है वो हिंट वैसे दे ही दिया रुतान ने, तो अब क्या ही बताएं। बताओ बताओ, गेस करो, बट गेस विद सॉन्ग, गेस विद सॉन्ग। चला एक नर आता नेकी नर, चला एक
बाबा साहब के कृतज्ञ है और बाबा साहब को हम इतना रिस्पेक्ट इसीलिए देते हैं क्योंकि उन्होंने पूरे समाज के लिए सोचा, उन्होंने महिलाओं के लिए जितना सोचा उतना शायद ही किसी आदमी ने सोचा होगा उनके टाइम पे, विच इज वाई वी ऑल्सो कॉल हिम अ फेमिनिस्ट, बिकॉज इवन दो वो खुद शायद उन पीड़ा को नहीं समझ पाए लेकिन उन्होंने ट्राई किया रमाई से सुन के और भी लोगों से बात बात करके। वो कहते थे कि एक समाज की प्रोग्रेस जो है वो महिलाओं की अवस्था से गिनी जाती है, समझी जाती है। तो एक एक कमेंट है, मैं पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा कमेंट आया है। ये ऐश्वर्या शुभांगी दिलीप की तरफ से, वो बोल रही है कि अप्रतिम गीत अप्रतिम आवाजातून थेट काळजा पर्यंत पोहोचल, जय भीम, तुमचं काळज ही अप्रतिम आहे। अप्रतिम हा जो शब्द आहे, ये जो वर्ड है, ये यानी एक्सेलेंट, बेस्ट के लिए यूज होता है, एक्सक्विजिट भी उसको बोल सकते हैं अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, अप्रतिम है, तो आपके लिए ये तारीफ है। थैंक यू, थैंक यू, मैं भी इसमें खुद को सहभागी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास ये गाना पहुंचता ही नहीं अगर वृतांत ना होते, क्योंकि मराठी में है। तो ये गाना जो है, ये जो हिंदी भाषी लोग है या इफ देयर आर पीपल फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, ये गाना जो है मराठी में था एंड दिस सेज दैट, मतलब हाउ डू आई प्रेज समबडी लाइक भीम हु हैज डन सो मच फॉर सोसाइटी। कितनी मतलब कितनी बातें कहूँ भीम के बारे में कि उन्होंने समाज को सुधारा। और पहले पैराग्राफ में बोल रहे हैं कि यू नो द सोसाइटी वॉज इन शैम्बल्स, मतलब लोग जो थे वो यहाँ वहाँ भटक रहे थे, दुख था, उनको सुख का मार्ग दिया है भीम ने। और सेकंड पैराग्राफ आज के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें कहा जाता है कि महिलाओं को कहते हैं दैट वुमेन प्लीज गेट अप एंड डोंट क्राई, मतलब ये नहीं है कि आपको दुखी रहना है और आप रोए, ये सब मत करो, खुद सीखो, गेट एजुकेटेड एंड एजुकेट योर किड्स, क्योंकि महिलाएं एजुकेटेड होगी तभी उनके बच्चे एजुकेटेड होंगे। तो मराठी में बोलते हैं कि एक आदमी सीखता है तो एक ही आदमी सीखता है, पर अगर एक औरत सीखती है, एक औरत एजुकेट होती है तो सारा परिवार एजुकेट होता है। तो ये तो मुझे लगता है बाकी लैंग्वेजेस में भी बोलता है ये वाले शब्द जो है, पर बहुत ही जरूरी शब्द है ये, बहुत ही क्या प्रेरणादायी है, बहुत ही इंस्पायरिंग है दोस्तों। तो इसीलिए वुमेन एजुकेशन जो है वो बहुत जरूरी है। और उस टाइम पे बुद्ध के टाइम पे गौतमी जो थी भिक्खुनी गौतमी, और उन्होंने लीड लिया था लोगों को, महिलाओं को यही बोला था उन्होंने कि आओ हम लोग साथ में चलेंगे और अपने आप को इमेंसिपेट करेंगे। और बाबा साहेब भी यही कहते हैं कि उस टाइम पे जिस टाइम पे समाज ऐसा था कि हमारे नेक्स्ट सेक्शन में आ गए हम लोग दोस्तों इसी के साथ में, बाबा साहेब्स व्यू ऑन वुमेन एंट्री इन संघा। यस, तो महिलाओं का जो एंट्री होता है संघ में उसके ऊपर बाबा साहेब ने एक आर्टिकल, एक एसे लिखा है। वो डिबेट में बाबा साहेब आए और जो क्रिटिसिज्म हुआ था, मैं बता देता हूँ ये थोड़ा सा, ठीक है, जो संघ के ऊपर में क्रिटिसिज्म था, बुद्ध के ऊपर में क्रिटिसिज्म था कि उन्होंने इक्वली नहीं देखा है, तो बाबा साहेब ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि बुद्ध जो है वो एक रेवोल्यूशनरी फिगर थे, एक रेवोल्यूशनरी लीडर थे, वो एक सोशल साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक क्रांति लाई है समाज में। और वुमेन एजुकेशन का हम जो बात कर रहे थे, तो धम्म में आना, संघ में आना एजुकेशन का शुरुआत होता है। नथिंग इज एज ग्रेट एज द एजुकेशन ऑफ धम्म, धम्म इज नथिंग बट एजुकेशन ओनली दोस्तों। यहाँ पर सारा टाइप ऑफ एजुकेशन है, ये हम लोग अक्सर बातें करते हैं, तो कभी एजुकेशन के ऊपर हम बात करेंगे तो डिटेल में बात करेंगे, पर आज हम लोग बात कर रहे हैं बाबा साहेब्स व्यूज ऑन वुमेन एंट्री इन संघा। तो प्लीज यू कैरी फॉरवर्ड। तो बाबा साहेब ने बोला था कि उन्होंने लिखा है कि उस टाइम के लिए बुद्ध ने भिक्खुनी संघ को अलाउ करना ये क्यों रेवोल्यूशनरी था, क्योंकि उस टाइम पे महिला इतनी, मतलब आज भी हम पेट्रियार्कल सोसाइटी में ही रह रहे हैं, तो समझिए कि उस टाइम पे जब हर तरीके का शोषण इतना ज्यादा था, बी इट कास्ट बेस्ड, बी इट जेंडर बेस्ड, बी इट एनी काइंड ऑफ इनजस्टिस इनइक्वालिटी, उस टाइम पे कितना ज्यादा कितनी ज्यादा बाधाएं रही होगी महिलाओं पर, और महिलाओं को कोई हक नहीं था,
महिलाओं को या तो जो एससी जिनको हम आज बोलते हैं अनटचेबल्स जिनको कहा जाता था, इनको कोई हक नहीं था कि अपने लिए लड़े या तो कोई सीखे, शिक्षण का कोई हक नहीं था, अपने लिए कुछ करने का कोई हक नहीं था। उस टाइम पे एक पूरा संघ जो भिक्खुनियों का ही हो, वो एक संघ को अलाउ ही करना पड़ा था, क्योंकि विदाउट दैट देयर वुड हैव बीन इट वुड हैव बीन एन आउटकास्टेड संघ। तो बुद्ध के अंडर उनको कुछ रूल्स देने पड़े थे ऐसे, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं, विमेन आर केपेबल ऑफ सेल्फ इमेंसिपेशन, महिलाएं खुद जो है धम्म के मार्ग पर चल के खुद निर्वाण पा सकती है, मैं तो मार्गदाता हूं, मैं थोड़ी ना कुछ कर रहा हूँ, महिलाएं खुद कर सकती है। ये बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन था। और गरुड़ धम्म की अगर बात आती है तो देर इज दिस टेक्स्ट कॉल्ड द राइज एंड द फॉल ऑफ द हिंदू वुमन, और इसमें बाबा साहेब कंपेयर करते हैं उस टाइम पे भी, आज भी बहुत लोग बोलते हैं, उस टाइम पे भी बहुत लोग बोलते थे कि अरे बुद्ध तो रेवोल्यूशनरी कैसे हुए, वो तो पेट्रियार्कल हुए, उन्होंने तो भिक्खुनी संघ को भिक्खु संघ के अंडर रखा, तो ये तो बहुत ही मतलब ज्यादती हो गई इनके साथ। तो बाबा साहेब ने उस टाइम पे जवाब दिया था कि हाँ देयर वाज सम काइंड ऑफ ग्रेडेशन, पर ये क्यों था, क्योंकि भिक्खुनी संघ नया था, भिक्खुनी संघ बिना ट्रेन के और इतनी सारी महिलाएं एक साथ आई है, ऐसा नहीं है कि 5 लोग हैं 10 लोग हैं, ऐसा नहीं, इतनी सारी महिलाएं, तो इनको ट्रेन करने के लिए कोई तो लगेगा ना, सिर्फ बुद्ध अकेले तो उनको ट्रेन नहीं करेंगे, तो इसलिए उसमें कुछ क्लॉजेस डाली थी कि भिक्खुओं से आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, भिक्खुओं का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, जब आप अब आप कुछ गलत करते हो या तो वर्षवास के टाइम पे जो चेकिंग होती है, वर्षवास का एक ये भी एस्पेक्ट है कि भिक्खु भिक्खुनियों की चेकिंग होती थी कि वो सही से कर रहे हैं कि नहीं, कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको निकालने का हक भी था। तो ये सब चीजें जो है वो भिक्खु रेगुलेट करेंगे, क्यों, क्योंकि भिक्खुनी संघ वॉज जस्ट स्टार्टिंग। बाबा साहेब ने कहा है कि हो सकता है कि उस टाइम पे बुद्ध ने सोचा हो कि ये रूल्स बाद में चेंज हो जाए, लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, क्योंकि हमारी सोसाइटी अभी भी पेट्रियार्कल है, लेकिन ये रूल्स उस टाइम के लिए थी जब ये इनिशिएट हुआ था भिक्खुनी संघ। तो एक बुक है, इससे हम लोग रेफर करें, वैसे बाबा साहेब के ऐसे तो आपको मिल जाएगी, बट देयर इज दिस बुक बाय शर्मिला रेगे कॉल्ड द मैडनेस ऑफ मनु। इसमें मैं थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल श्योर, इसमें ये स्पीच का कमेंट्री दिया हुआ है, वैसे तो स्पीच हमने दोस्तों ओरिजिनल बाबा साहेब की जो राइटिंग है उसमें से पढ़ना चाहिए, पर अगर आपको और थोड़ा सा कमेंट्री पढ़ना है और थोड़ा बहुत वुमेन से रिलेटेड जो इश्यूज है उसके ऊपर पढ़ना है तो ये आप किताब पढ़ सकते हैं। ये किताब कवर बहुत अच्छा लगता है मुझको, तो ये देखिए, ये इक्वालिटी, रमानी और बाबा साहेब दोनों साथ में और बीच में बुद्ध है, तो जो गाइड है वो बता रहे हैं, तो ऑफकोर्स शर्मिला रेगे ने अच्छा लिखा है यहाँ पर, तो आप ये किताब पढ़ सकते हैं। तो इसमें बेसिकली शी इज प्रेजेंटिंग ऑल दोज एसेज ऑफ बाबा साहेब, जहाँ पे मनु को कहा जाता है कि मनुवादी, हम जो बोलते हैं मनुवादी लॉ जो है, दैट इज द वर्स्ट काइंड ऑफ इनजस्टिस या इन इक्वल लॉ दैट एग्जिस्ट, क्योंकि उसमें महिलाओं को और बहुत अलग अलग कास्ट जो है उनको कोई हक नहीं था। तो कैसे बुद्ध उनके अगेंस्ट में एक बहुत, ऑफ कोर्स मनुवाद जो है वो बाद में आया, लेकिन वो रूल्स पहले से चल रही थी, ब्राह्मणिकल रूल्स जो थी वो पहले से चल रही थी, तो उनको तोड़ देते हुए कैसे बुद्ध ने एक इंटरवेंशन किया। तो बाबा साहेब ये कहते हैं कि उस टाइम के लिए शायद जरूरी था ये कुछ रूल्स देना, क्योंकि भिक्खुनी संघ शुरू हो रहा था, और ये भी एक बात थी कि भिक्खुनियों को गाइड करने के लिए भिक्खु ही थे और कोई तो था नहीं, क्योंकि भिक्खुनियां बनी ही नहीं थी तो कैसे गाइड करेंगी, तो ये सब रूल्स थी। बट ये भी हो सकता है कि बाद में जाके इन रूल्स को और ज्यादा कठोर कर दिया हो, क्योंकि बुद्ध के टाइम पे तो कुछ लिखा नहीं गया था, बुद्ध के बाद ही सब कुछ लिखा गया है, और उसमें भी बहुत सारे ब्राह्मणिकल फोर्सेस आई है। तो बाबा साहेब लेकिन एक चीज बहुत क्लियरली बोलते हैं जो हमको याद रखनी चाहिए, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट बुद्ध और इवन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बाबा साहेब बोलते थे कि बुद्ध को अगर आप फॉलो कर रहे हो, अगर साइंटिफिक टेम्पर को फॉलो कर रहे हो, इट इज वेरी नेसेसरी टू जज, परखना बहुत जरूरी है कि आज के टाइम पे वो चलता है कि नहीं,
आज के टाइम पे वो वैलिड है कि नहीं और रैशनैलिटी को वो चल रहा है कि नहीं, रैशनैलिटी को वो मानता है कि एक नहीं। एक चीज यहाँ पर जोड़ता हूँ यहाँ पर, क्योंकि इसी फ्लो में आ रहा है, अपर्णा ओवल है वो बोल रहे हैं कि बोल रही है या रहे हैं जो भी है, तो लोगों को बुद्ध के साथ बाबा साहेब जी जिनका संविधान भी जानना जरूरी है, तो ऑफकोर्स ऑफकोर्स तो यही हम लोग बात को जोड़ सकते हैं कि संविधान में भी लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी के वैल्यूज है दोस्तों। तो आज के समय के हिसाब से संविधान बहुत ही जरूरी है डिस्कस करना, और थैंक यू ये आपका कमेंट देने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि संविधान के ऊपर में भी हम प्रोग्राम करें और उसके ऊपर भी बातचीत करें, तो थैंक यू इसके लिए। तो वही मतलब बाबा साहेब वही कहते थे कि, और बुद्ध भी वही कहते थे कि एवरीथिंग शुड स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। संविधान भी जैसे है कि कोई ऐसे पत्थर की लकीर नहीं है, अगर वो कोई ऐसा रूल है जैसे सेक्शन 377 आर्टिकल 377 जो होमोफोबिक था, उसको उसके अगेंस्ट में इतने सारे ये चल रहे थे, प्रोटेस्ट चल रहे थे, उसको चेंज करने की कोशिश चल रही थी, क्यों? क्योंकि वो आज के टाइम पे अप्लाई नहीं, एप्लीकेबल नहीं था। तो सिमिलरली अगर आपको कभी भी लगता है कि बुद्ध की कोई भी बात आज के टाइम पे एप्लीकेबल नहीं है, या तो हो सकता है आपको डाउट है कि बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा होगा, तो आप उसी को मानिए। बुद्ध सिर्फ एक मार्गदाता है, वो कोई ऐसे वो ओमनी प्रेजेंट या ओमनीसिएंट कोई बीइंग नहीं है जो चेक कर रहा है कि तुम मेरी बात कितनी सुन रहे हो, ऐसा नहीं है। बुद्ध खुद कहते थे यही पस्सी को खुद देखो खुद जानो। तो ये थोड़ा सा एक करेक्शन है दोस्तों, ये सेक्शन 377 है वो सेक्शन, तो हाँ yes। पर बात ये है कि कोई भी चीज जो है, कोई भी बोला हुआ जो वाक्य है, जो रूल्स है, जो लॉज है, वो टेस्ट ऑफ द टाइम के हिसाब से चलने चाहिए आगे में। अगर वो आज के समाज में नहीं चल पा रहे तो उसको चेंज जरूर होना चाहिए। और ऑफ कोर्स संविधान में बाबा साहेब ने आज के समय के हिसाब से प्रिंसिपल्स डाले हैं, और वैसे वो जितना कोशिश किए उनके कोशिश से बहुत सारे ऐसे रूल्स लॉज बने हैं जो कि आज के लिए एक समतावादी समाज बना पाए। तो हम संविधान का सच में बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और बातों बातों में बहुत अच्छी बातें आई संविधान के बारे में ये बातचीत हम लोग कर रहे हैं। पर एक बात जो ज़रूरी है मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि बाबा साहेब ने बोला है कि अगर बुद्ध के भी कोई बात है जो उन्होंने तब कहा है और आज वो अगर स्टैंड नहीं कर रहे, तो हम बिल्कुल उसको नहीं फॉलो करके उसको चेंज कर सकते हैं, उसको आज के समतावादी विचार के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और ये फ्रीडम है दोस्तों, ये फ्रीडम है, ये साइंटिफिसिटी है, और जो हमारा जो प्रमाण है, ये अलग अलग प्रमाण मानते हैं लोग अलग अलग फिलोसॉफीज में। कोई लोग होते हैं वो किताब में लिखा होता है उसी को प्रथम और अंतिम सत्य बोल के उसी को फॉलो करते हैं, पर धम्म में ऐसा नहीं बोला गया है। धम्म में साइंटिफिक टेंपर से सोचते हैं और प्रज्ञाशील और करुणा के ऊपर से जज करते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। और एक बात ऐड करूंगा कि ये जो चीज है बाबा साहेब ने ये बोला है कि कोई भी चीज अगर आपको लगती है कि वो लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी मित्रता के प्रिंसिपल्स से अलग है, तो ये बुद्ध के वाक्य नहीं होंगे, क्योंकि बुद्ध जो है वो बहुत ही समतावादी थे। और बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं कि बहुत सारे करप्शंस हुए हैं, बहुत सारे डाइवर्जेंस हुए हैं, जिसकी वजह से शब्द जो है वो बुद्ध के बदले हो सकते हैं। तो ये टेस्ट, और एक बाबा साहेब ने बोला है धम्म को जानने के लिए कि अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो वो गलत भी हो सकता है, यानी कि पॉसिबिलिटी है। एंड ऑफ द डे बाबा साहेब बुद्ध ये सब लोग ह्यूमन हैं, तो यू हैव टू आल्सो सी दैट दे आर ह्यूमन, दे आर आल्सो अफेक्टेड बाय सोसाइटी, दे ट्राई देयर बेस्ट टू कम आउट ऑफ इट, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो भी ह्यूमन है, तो उनसे भी गलती हो सकती है, ऐसा नहीं है कि वो गलती से परे है। तो इसी को लेकर, इसी को आगे लेते हुए, कॉन्वर्सेशन को आगे लेते हुए, हम लोग अभी खत्म कर ही रहे हैं। हाँ, बस हम लोग अब एंड करने वाले हैं दोस्तों, ये हम अंतिम चरण में हम लोग आ गए हैं, बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। तो लेकिन बाबा साहेब ने एक बहुत सही टेस्ट दिया है समझने के लिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो ये जो है ये टेस्ट है, ये अगर आप पढ़ेंगे ना थरली, रोज पढ़ेंगे रात में, और रोज उसको पढ़ के समझेंगे, धीरे धीरे पूरा पढ़ लेंगे, फिर दूसरी बार पढ़ेंगे, फिर तीसरी बार पढ़ेंगे, तो आपके दिमाग में वो जो टेस्ट है ना, देखो लोग जा रहे, जाइएगा ना, बहुत जरूरी एक कंक्लूजन बाकी है, थोड़ा देर बने रहिए बस। और प्लीज ये अब जाने से पहले दो चार ग्रुप्स में या अपने दोस्तों के साथ में आप प्लीज शेयर कर दीजिए,
ये बातें जो है धम्म चर्चा बहुत जरूरी है और समय समय पर धम्म चर्चा होनी चाहिए। लोगों को हमको इंकरेज करना है धम्म चर्चा करने के लिए, जिससे एक समतावादी समाज जो है बन रहा है। तो हम लोग कंक्लूड करेंगे और कंक्लूड में कुछ बोलना है तो हाँ हाँ, तो हम मैं उसी तरफ जा रही थी कि बाबा साहेब ने हमको सुख कैसे दिया, सुख का मार्ग कैसे दिया, धम्म दीक्षा देकर, है ना। और धम्म दीक्षा जिस दिन दिया वो दिन अभी अभी आ ही रहा है, ऑलमोस्ट देयर इट इज, ठीक है। बट उसके पहले, दीक्षा मतलब दोस्तों क्रांति है, ये बार ध्यान रखिए, बार बार बोलते हैं क्रांति मतलब धम्म चक्र प्रवर्तन, बिल्कुल। तो आ रहा है दिन तो क्रांति बिल्कुल। और उस पे जाने से पहले लेकिन एक चीज ये बता दे कि आज की हमारी जो ये पूरी सेशन थी वो थी भाद्रपद पूर्णिमा स्पेशल और वर्षवार स्पेशल। तो अगर आपको जस्ट अभी अभी पता चला है ये सब चीजें क्या है, इंटरनेशनल भिकुनी डे आज हम सेलिब्रेट कर रहे थे, मधु पूर्णिमा सेलिब्रेट कर रहे थे, गौतमी सूक्त के बारे में हमने बात किया, तो ये सब चीजें के बारे में अगर आप जस्ट अभी आपको पता चला है तो प्लीज आपके वॉल से शेयर कीजिए ये जो आर्ट वर्क्स है, और लोगों को विश कीजिए भाद्रपद पूर्णिमा के विशेष दीजिए, इंटरनेशनल भिकुनी डे के विशेष दीजिए, लोगों को जानने की जरूरत है ये सब चीजों के बारे में। हमें भी आप दोस्तों सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए आप हमारे जो परफॉर्मेंसेज हैं, आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमको हर एक माध्यम से मदद कर सकते हैं, तो हम कॉल करते हैं आपके सपोर्ट के लिए। तो प्लीज सपोर्ट, हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं दोस्तों धम्म का कारवा ये जो है उसको आगे बढ़ाने की, तो अगर आपको लगता है हम ठीक काम कर रहे हैं तो प्लीज हमको सपोर्ट कीजिए। आप हमसे जुड़ सकते हैं, यू आर ऑलवेज वेलकम विद बौद्ध कार। तो बहुत सारे लोग कॉल करते हैं और जुड़ते हैं, वेलकम टू कम एंड जॉइन आवर ब्लू टैक्सी। हाँ हाँ, तो प्लीज 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 बी देयर दोस्तों, यही हम लोग बोल रहे हैं। और हम जो काम कर रहे हैं वो कुछ नहीं है, वो बाबा साहेब का जो दिया हुआ मार्ग है उसी को चलने की कोशिश है, और अम्बेडकराइट कल्चर को हम स्प्रेड कर रहे हैं, और अम्बेडकराइट कल्चर का जो एपी सेंटर है हमारी ब्लू टैक्सी जो है उसका फर्स्ट स्टॉप जो है वो होता है नागपुर दीक्षा भूमि, और दीक्षा भूमि जाने का टाइम जो है वो नजदीक आ रहा है। तो उसी को लेके हम कंक्लूड करेंगे कि धम्म चक्र प्रवर्तन या धम्म चक्र अनुप्रवर्तन दिन जो है वो आ रहा है, अक्टूबर में होता है, और इस दिन को बहुत जोश से सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो अब इस साल कैसे सेलिब्रेट होगा नहीं पता, अगर ठीक हो जाती है चीजें और आप जा पाते हैं दीक्षा भूमि तो बिल्कुल जाइए, लेकिन अगर सेफ्टी इश्यूज है तो मत जाइए। लेकिन घर पे आपको सेलिब्रेट करना है तो ये नहीं है कि म्यूजिक ही चाहिए और धूम धड़ाका, ऐसा नहीं, सेलिब्रेट करना है तो बाबा साहब का काम आगे लेके जाना पड़ेगा। एक बार ये बहुत जरूरी है, सॉन्ग का वो आया बिल्कुल 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 भी एंड विद दैट सॉन्ग, ठीक है। तो ठीक है, हम बताते हैं उनको कि ब्लू टैक्सी में हम क्या करते हैं, जो लोग नए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्लू टैक्सी में क्या होता है, क्योंकि हमारे आपस में बहुत सारे डिफरेंसेस है, आप अलग है, मैं अलग हूँ, ये अलग है, सबके विचार अलग है। तो विचार अलग अलग होने के बावजूद दोस्तों हमको एकजुटता लानी है, और ज़्यादा क्रिटिसाइज, ज़्यादा गलत बोलने से, गलत को गलत बोलना बहुत जरूरी है, हम भी बोलते हैं गलत को गलत, पर साथ ही साथ इतना जरूरी, उससे ज्यादा जरूरी है कि बाबा साहेब का ये जो मार्ग है, जो हम लोग बोल रहे हैं कि जो सीड बाबा साहेब ने लगाया इसको बड़ा करके पेड़ बनाना है,
ये जो धम्म बाबा साहब ने अगर एक उदाहरण इस धम्म किताब लिखा तो उसके और बहुत सारे उसके किताबें लिखनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल, और इस पूरे धम्म की कल्चर को आगे बढ़ाने का काम ये हमारा है दोस्तों। तो हमने दूसरे को गाली देने से ज्यादा हमने इस कारवा को आगे बढ़ाना है, तो धम्म का प्रसार करना है, बाबा साहब का जो कल्चर है अम्बेडकराइट कल्चर इसका प्रसार करना है। तो ये हम लोग इस मंगल वचन के साथ में आज हम लोग कंक्लूड करेंगे, और एकजुटता आनी चाहिए संघ हमारा जो है। आज हमने संघ के बारे में बात की, देखो संघ में कितने सारे लोग हैं, संघ के ये जो दो लोग हैं मल्लिका और पसेंदी ये एक आइडियल संघ के एक कपल माने जाते हैं। तो ऐसे हम लोग सब बने, अच्छे संघ बने, और संघ बन के धम्म का फॉलो करके प्रैक्टिस करके हम एकजुटता लाए, और अच्छा एकजुट संघ बन के हम लोग एम्पावर हो, और एम्पावरमेंट से हम लोग क्या कर सके, सारे दुख सारे अन्याय को खत्म कर सके। इस मंगल भावना के साथ में, इस मंगल मैत्री के साथ में दोस्तों हम हमारा आखिरी आज का जो गाना है और इसी के साथ हैप्पी भाद्रपद पूर्णिमा टू यू, हैप्पी पुट्टपाद टू यू, हैप्पी बुधु पूर्णिमा टू यू, एंड हैप्पी 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 इंटरनेशनल भिक्खुनी डे टू ऑल ऑफ यू। मे वी ऑल स्प्रेड अम्बेडकर एंड कल्चर विद द लॉर्ड एंड लॉर्ड ऑफ भिक्खुना। प्लीज शेयर दोस्तों, ये मंगल मैत्री है, सबके साथ दोस्ती से रहना है, दोस्ती को बढ़ाना है दोस्तों, मैत्री को बढ़ाना है, यही हम गाने में बोलते हैं। Thank you.